में चार पांच लड़कियों के साथ घिरा रहता है गुरु, हमें तो किसी से भी नहीं मिला। गीता, ये बंधन धरती के लिए और ये जान तेरे लिए, मैं मरने जा रहा हूँ। अरे मैंने गीता को फोन किया है, वो आती नहीं होगी। वो नहीं आएगी, मैं मर रहा हूँ। गीता के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं रह सकता, बचाओ तुम लोग मुझे। संजय वेट्स गीता पार्ट टू। इस हाइट से गिरने के बाद इसका पैर भी नहीं टूटेगा और ये कूद के मरने का ड्रामा कर रहा है। संजू, वहीं पर रुको। ए, वहीं पर रुको। अगर मेरे पास आदित्य, मैं कूद के जाता हूं। बदमाश, तेरे मरने के बाद तेरी बॉडी यही रोड पे पड़ी रहेगी और तेरा थोबड़ा है ना, उस पे गाय कूदेगी। अब जाके खुद तू नरक में मरेगा। अब ये नहीं सब चाहता ना तो चल नीचे उतर। वो लड़का नीचे गिर के तो नहीं मरेगा, वो मोटी के डर से जरूर उतर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों भाई? बचने के लिए। अच्छा, गोदे गीता आ गई क्या? गीता, अगर तुम नहीं मानी मैं मर जाऊंगा। मत करो, मरो मत। Excuse मैं तुमसे लव करती हूँ। सच में? हाँ, प्लीज उतर जाओ। मेरी जान गीता, वहाँ खड़े रहे। बता, देखो मुझ में एक वीकनेस है। ए, मुझे मंजूर है। क्या वीकनेस है बताओ मुझे गीता। देखो तुम सुनो, डेली सेम सेम खाना मुझे पसंद नहीं। एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कबार पोंगल, ऐसी वैरायटी चाहिए मुझे। ए, नो प्रॉब्लम। ये चेंज सिर्फ खाने में नहीं, और फिर लव में भी। क्या लव में भी? तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो तो मैं आई लव यू बोला, कल उसे पसंद करूंगी उसे भी आई लव यू बोलूंगी, नेक्स्ट इसे पसंद करूंगी तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी, ये पसंद आया तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी। मुझे भी? हाँ सर। ए, मैं गैप नहीं दूंगा, जल्दी से शादी कर लूंगा। हाँ। वो नहीं संजू, पूरी लाइफ में एक इंसान के साथ नहीं रह सकती ना, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अरे तेरी तो, तेरे पीछे घूम घूम के मेरे जूते घिस गए, तेरे पास पटके चक्कर में मैं वाइफ ढूंढना छोड़ दिया, तेरे लिए सुसाइड करने जा रहा था। मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते से खुद को मारना चाहिए। तू जी फॉर गीता नहीं है, सी फॉर चीटर है, टी फॉर टेरर है, टी फॉर डॉग। ए भाई, तू कौन है? तुझे तो अकेले में देखता हूँ। कबाब में हड्डी कहीं का। मेरा सारा काम खराब कर दिया, देख लूंगा तुझे मैं। थैंक यू। इट्स ओके। गुरु, गुरु। अरे वो लड़की कहाँ गई? उसने मुझे भी आई लव यू बोला यार। तुम गलत समझ रहे हो गुरु, उसने तुम्हें नहीं बोला, बल्कि उसने उस लड़के को उदाहरण दिया। तुमने भी सुना ना, यहाँ खड़े सभी लोगों ने सुना उसने क्या कहा। हाँ मैंने सुना, पर वो गई कहाँ? तुमने अच्छा सबक सीखा है। सुनिए, एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग प्यार को समझते क्या हो? कपड़ों की तरह बदलने वाली कोई चीज है क्या प्यार? या फिर कोई मोबाइल सिम कार्ड है, जब दिल किया पुराना वाला फेंक दिया और जाकर नया खरीद लिया? तुमने लड़कों को एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? जब दिल किया एटीएम में स्वैप किया और पैसा निकाल लिया। Hey, I love you. फिर से क्या है? तुम्हें तो सिर्फ मुंह चलाना आता है, तुम्हें क्या पता है इस मैटर के बारे में? उसके पास देखभाल करने के लिए माता पिता है, कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है, ये सारी जिम्मेदारियां हैं उस पर। लव लव करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी। मैंने खुद के कैरेक्टर को गिरा के उसकी लाइफ को बचाया है, समझे? बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हो तो। दीदी, आपके पैर को एक नमस्कार दी। माफ कीजिए। धन्यवाद। आपके अच्छे इरादों को जाने बिना हमने आपको गलत समझा, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आपके जैसी लड़की चाहिए। जी फॉर गौरी माँ, के फॉर काली माँ, डी फॉर देवी बोलो ना। हाँ, फिर ठीक है, प्लीज आप जाइए। मैं भी इनके जैसी एक लड़की से शादी करूंगा, देखना। मैं भी लाइन में हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूंगी, आप जाइए बॉस से मिल लीजिए। अच्छा, ये फाइल लेकर के जाना। एसएस के एक्सपोर्टर्स के मालिक सोमशेखर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। किसे मारना है बोलो? एसपी सूर्य प्रकाश को। मैटर क्या है? हमारे साहब के ऊपर उसने एक छोटा सा केस किया है, उस बात को लेकर एसपी हमारे साहब को बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा केस है? हमारे कारखाने में तीन लड़कियां काम करती थी, वो एक महीने से गायब हैं। गायब नहीं, तेरे मालिक ने उन तीनों का रेप किया और मर्डर कर दिया। एसपी की इंक्वायरी के दौरान अगर मैटर लीक हो गया तो तेरे मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। अब तुम मेरे पास आए हो, चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। तुम लोग भैरव फाइनेंस कंपनी में आए हो, अपनी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास गिरवी रख देना। तुम लोग सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से बना के रखना, नए सिम कार्ड खरीद लेना, और तुमको नए नए नंबरों से कॉल आएंगे, उन सब को रिसीव कर लेना। किसी भी कारण से उस नंबर से किसी को भी फोन मत करना। ओके सर। ये अमाउंट मैं
किसको दूं? फोन पे बताऊंगा, तुम लोग जाओ। सूर्य। हाँ भाई। एसपी सूर्य प्रकाश का पूरा डिटेल चाहिए हमें। ओके भाई। गोपी। बोलो भाई। एसपी सूर्य प्रकाश। ठीक है भाई। मनो। हाँ। अर्जेंट में एक सिम कार्ड खरीद और उसको फोन। हाँ, ठीक है भाई। मंदिर आने के बाद ना मन को बहुत सुकून लगता है। ऐसा क्यों? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तेरे जेब में एक पैसा नहीं है। स्वाति, लिसन, तुम शॉपिंग करने जाओ, 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ओके ना? बाय। ओके बाय। घूमने के लिए 4-4 लड़के चाहिए तुझे, उन्हें बैंकॉक ले जाएगा। वहाँ जाने के लिए तूने सेटिंग भी कर रखी। मुंह तोड़ूंगा तेरा। क्या करूं भैया, मुझे सैंडविच बहुत पसंद है। यहाँ हम सभी को टोमेटो केचप बहुत पसंद है। ए पीसो रे, ए बस करो यार, ए तू जा यहाँ से। ए हट, पैसे टाइम पर देना। राजा, तुम्हारी प्रेमिका आ रही है। हाय। आइए ना, प्लीज बैठिए। थैंक यू। नजर जो तेरी लागी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी मैं दीवानी हो। क्या करूं गुरु, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आ गया। कोई बात नहीं भैया, हर कोई मुझे देख के यही गाना गाता है। बाय द वे, वो सेठ के लड़के को क्यों पीट रहे थे? या वो मशीन ग्राहक है। कैसी मशीन? मशीन, कपड़े डालो, धो और दो। वो क्या है कि हमने सेठ को ब्याज पर पैसे दिए थे, वो पैसे वापस कब करेगा उसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। आपका ब्याज का बिजनेस? हाँ, हमारा बिजनेस, बैंक बिजनेस। आपके बैंक का कितना इंटरेस्ट है? फायर इंटरेस्ट। फायर इंटरेस्ट? हम उनसे तब तक इंटरेस्ट लेते हैं जब तक वो मर ना जाए। हम उन्हें ऐसे शौक देते हैं कि ब्याज भरते भरते उनकी जिंदगी खत्म हो जाए और असल जो कहते हो ही रहे, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब समझ में आया क्या? ये हमारी गेस्ट है ना, फ्रिज से इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, जाओ जल्दी। नहीं बोल रही, छोड़ो गुरु। अरे जाना यार। Actually, क्या है ना, वो मैं मंदिर आई थी। दर्शन हो गए। कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या है? फर्स्ट टाइम आई है ना, अतिथि देवो भवा, ये लीजिए। अबे तू ये क्या लेकर आ गया? तुम ही तो बोले थे फ्रिज में से ठंडा लेके आना, फ्रिज में यही सबसे चिल्ड था। क्या हुआ, ये इन्हें पसंद नहीं क्या? छी, थू, राजा। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ब्रांड यहाँ नहीं है, लेकिन चखने में मटन, चिकन और अंडा सब कुछ है अपने पास। छी, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ही पी लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हेलो हेलो मैडम। वो तो नहीं पी रहे, चल अपन ही पी लेते हैं। अंदर लेके जाएगा, चलो अभी पी लेते हैं। तेरी तो, लड़की के सामने तूने मुझे बेवड़ा साबित कर दिया। फ्रिज में जितनी बोतलें सब अभी निकाल कर बाहर फेंक। ठीक है, छोड़ो गुरु, अभी से हम फ्रिज में केवल चाय और कॉफी रखा करेंगे। अबे चल। सुनो जी, अपने गांव से कुछ लोग आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो। नमस्कार, नमस्कार, बैठिए। मालती, भाभी को बुलाओ। बुलाती हूँ। नमस्ते, बैठिए। आने वाले कार्तिक महीने में मंदिर की पूजा करने की सोच रहे हैं। पहले सब मुत्तु राजन को आगे खड़ा करके मंदिर में पूजा करवाते थे, लेकिन आजकल तो आप लोगों ने मंदिर में आना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। आप जैसे गांव के बड़े लोग अगर आना ही छोड़ देंगे, उधर बाहर के लोग मंदिर में आकर के अपना हक जता रहे हैं बहन। मालिक कहकर? हाँ बहन, आज से 22 साल पहले आपके पति ने इस गांव की 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम पे दान किया था, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने से पहले रजिस्ट्री का काम पूरा होने वाला था कि उनका देहांत हो गया। आज उसकी कीमत 18 करोड़ है बहन। इधर मंदिर का नया धर्म रक्षक है ना, वो भैरव, वो कैसे भी करके उस जमीन को हड़प करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस राक्षस से भिड़ने की हिम्मत यहाँ पे किसी में भी नहीं। हम सारे के सारे गांव वालों ने मिलकर उस भैरव को इस गांव और मंदिर से दूर रखने का फैसला किया है। उसके बदले में सत्यराज को नया धर्म रक्षक बनाने का हम सब ने फैसला किया है। मैं क्यों चाचा जी? सत्यराज, ये हमारे परिवार और हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। इस पद के लिए तुम ही सही व्यक्ति हो। ठीक है, जैसा आप बोले। ये सब सुनने के बाद इस बार हम सब गांव जाकर पूजा खत्म होने तक वहीं रुकेंगे। उस 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम करने की तैयारी कीजिए। ठीक है बहन, अब हम सब चलते हैं। ठीक है।
चिका उधर देखो, बहुत सही था ना। गुलाब, मोगरा, गुड़हल, चमेली, लिली, कमल, सब फ्लावर का पूरा मार्केट अपनी ऑफिस की तरफ क्यों आ रहे हैं? हाय एक ही चेयर है, सिर्फ एक ही बैठी। नहीं नहीं छोड़ो, राजा किधर है? राजा क्यों, मंत्री से काम चला लो। हम यहाँ पोस्टर देखने नहीं, पिक्चर देखने आए। पंच जबड़ा हिलाने वाला। मैटर क्या है? अर्जेंट है, 30,000 उधार चाहिए। मिल जाएगा, तुम लड़कियों को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? गिरवी रखने के लिए क्या लाई? गिरवी रखने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं लेकर आए हैं। अरे चलेगा, ये पिंक इज पिंक है ना, इसे रखे जाओ। हम 3 दिन तक इंकू पिंकू डोंकू खेलते रहेंगे और फिर बाद में इसे आके लेके जाना। ओके चलेगा ना तुम्हें? चलेगा ना? बी छी नहीं जी सी। मैं राजा के आने के बाद बात करती हूँ। वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाओ। पिंकी यार इधर बैठ जा। पिंकी गीता, हाय। राजा ये देख, गीता आई है। अरे तुम तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ आई हो, बैठो ना। थैंक यू, ये मेरी फ्रेंड अनीता है। जॉब मिला है सो हमने सोचा इसे ट्रीट ले ले। वो क्या है ना, मंथ एंड है, कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो गई है, सो आपसे 30,000 की उधारी चाहिए। नो प्रॉब्लम करीम भाई। ओके बॉस। वैसे 30,000 की ट्रीट? हाँ, हमने एक्चुअली ले मेरिडियन होटल में ट्रीट मांगी थी, सो यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई। फ्रेंड्स के लिए उधारी लेते हुए मैंने सुना है, उधारी दिला के उससे पार्टी मांगने वाली फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बस दे दो। 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। हाँ? No problem. इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं। अरे नहीं, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए फायर इंटरेस्ट, सिर्फ कस्टमर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए नहीं। आप आराम से देना, कोई बात नहीं। थैंक यू। महिलाओं की सेवा, एंजॉय। वैसे आप कुछ पियेंगे क्या, चाय वगैरह? कुछ नहीं चाहिए। चलेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलेगा चलेगा। ले लो ले लो, कुछ नहीं चाहिए। क्वार्टर? कुछ नहीं चाहिए। हाफ? अरे नहीं चाहिए। मैं टी कॉफी की बात कर रहा था, बोतल दूंगा, ये क्यों सोच रही हो? ए चुप हो जा गीता, आप गलत मत समझिए। काफी ए छोटो, ये कॉफी अच्छी बनाता है। अच्छा, पैसे मिल गए ना। थैंक यू। एक्चुअली यू नो व्हाट गीता, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। साड़ी का पल्लू कार के डोर में फंस गया था। वो एसपी का एक ही सेंटीमेंट है बोले तो, उसकी खुद की वाइफ। रॉबिन थिएटर में मैटनी शो के लिए 2 टिकट बुक किया है, उसको उधर ही खत्म कर दो। थिएटर में? क्या? हाँ उधर ही। चलो चलो पीछे 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 करो पीछे। हाँ थोड़ा और। ए रुक रुक, एक फोन दे, फोन दे। हाय गीता, कैसी हो तुम? तुमने जो पैसे दिए हैं वो वापस करने हैं। अरे कोई अर्जेंट नहीं है, तुम आराम से देना, मैं फिल्म देखने आया हूँ। कौन सा फिल्म? दंगल। इफ यू डोंट माइंड प्लीज कैन आई जॉइन यू? एक्चुअली फिल्म तो बस शुरू ही होने वाली है। चलेगा, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ पहुँच कर कॉल करती हूँ। ओके तो ठीक है। अबे तू, अबे मेरे पास 4 टिकट हैं, इधर 1 सीट खाली होगी, उधर 1 सीट खाली होगी, तुम दोनों दंगल देखो। और ए लेकिन तुम लोग कहाँ जाओगे? हम तेरे बाजू के थिएटर में जाएंगे।
उसमें कौन सी फिल्म लगी है? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अबे वो तो मराठी लैंग्वेज में है। हमें लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मजा आ गया। अंदर क्या क्या हुआ हमें बताना जरूर। एंजॉय। एसपी निकल रहा है भाई। ठीक है तू भी निकल। एसपी घर से निकल गया है, सब लड़कों को अलर्ट रहने को बोल। ठीक है भाई। दो जन को गाड़ी के पीछे भेज। हाँ ठीक है भाई। और दो लोगों को कार पार्किंग के नजदीक। कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना? नहीं भाई। कुछ भी हो जाए अपने लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मरने वाला एसपी है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई। आ गया मेरे आने तक होल्ड कर, पार्किंग कर रहा है वो। कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग लॉट में हूँ। आई कांट कम टू द सिनेमा। क्यों? इज समथिंग रियली रॉन्ग। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। रुको मैं क्या लड़कों को बताओ क्यों आ रहा है। क्या हम लेट हो गए? कौन हो तुम? मैडम अब ठीक है? स्कैनिंग रिपोर्ट चेक कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं। हेलो सर। ठीक है, अब आप कैसे हैं? या मैं ठीक हूँ। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया सर, आपके ऊपर हमला करने वाला कोई भी यहाँ का नहीं था, सब आउटसाइडर्स थे। यू मीन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स? यस सर। देख लिया ना तुम्हारे पति की ड्यूटी कितनी खतरनाक है। कल तक इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया। सुनिए जी, जिसने हमारी जान बचाई है उस महान को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। अच्छा, किधर है वो लड़का? आपको हॉस्पिटल में भी उसी ने एडमिट किया सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ। सुनो भाई, उसने अपनी जान दांव पर लगा के हम दोनों को बचाया, उसका पता नहीं लगा सके आप लोग? पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज चेक करवा लेता हूँ सर। सुनो, ऑलरेडी वो लोग प्रोफेशनल किलर्स है ऐसा तुमने बताया, आज वो लोग मुझे मारने आए थे, कल को उस लड़के को भी तकलीफ दे सकते हैं। जस्ट लीव हिम अलोन। ओके सर। ओके। हे भगवान, देख लिया ना, ये है हमारी जिंदगी। छोड़ा रहे उसे, क्यों छोड़ा तुम लोगों ने? पब्लिक प्लेस में पुलिस के ऊपर अटैक करते वक्त सब देख रहे थे, वो इस सीन के अंदर कैसे आया? कौन है वो? एसपी और इसका क्या संबंध है? पता नहीं भाई। कॉमन पब्लिक है या फिर एक्टिविटीज को वॉच करने वाला अंडरकवर एजेंट है या फिर मेरा ऑपोजिट गैंग है? इंक्वायरी करो। ठीक है भाई, निकल जाओ। पिक्चर में सब बैड सीन को कट कर दिया, सो सैड। हाँ, उसी में तो मजा था। क्या करी माला, क्या कर रहा है? चिका, ये सब सब्जियों का नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे? वही सोच रहा हूँ। ए, नहीं जानता तो जो जानते हैं उनसे पूछ कर जान लो। ऐसा क्या? हाँ। ओके, कद्दू को क्या बोलते हैं? पम्पकिन। आलू को? जुमकिन। पोटैटो। सहजन? ड्रमस्टिक। भिंडे? लेडीज फिंगर। आमला? जेंसी जेंट फिंगर। भिंडे को लेडीज फिंगर बोलते हैं क्योंकि ये लड़की की उंगली जैसा नाजुक है। ओके, पर गोल वाले आमला को जेंट्स फिंगर कैसे बोल सकते हैं? चिक्का, नाचने वाले को नाचना आता, गाने वाले को गाना आता, तुमको
ऐसा क्या? तो ठीक है, कच्चे केले को क्या बोलते हैं? हे, मैं काशीनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे साथ डबल मीनिंग में बात मत किया कर। मिर्ची को क्या बोलते हैं पता है? पता नहीं। चिल्ली, अगर तू और ज्यादा बात करेगा तो मैं तेरे मुंह में ठूस दूंगा। गीता, तुम कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अनवर को भूल नहीं पा रही हूँ। सुन चित्रा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ए, राजा आया है। हाय। हाय। हाय राजा। हाय। सॉरी उस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाई, सो इसके लिए बुलाया। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो, कॉफी पीते। राजा आओ तुम यहाँ बैठो। अरे बैठना यार। अरे आओ गुरु, मैं बोल रहा हूँ ना। क्या बात है चिका, इस चेयर में कोई वास्तु दोष है क्या? वो जगह मेरे दोस्त राजा के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो क्या लव है? बहुत अच्छा माहौल है, अगर आपकी मैडम सहमत है तो जरूर प्यार की बारिश होगी। व्हाट नॉनसेंस यार। जी फॉर गीता जी, आपको एल्फ और लव से एलर्जी है क्या? लड़कों के फिल्मी डायलॉग मारने पर पटने वाली सेंसलेस गर्ल नहीं हूँ मैं, लाइफ में क्लैरिटी और पक्का प्रैक्टिकल सोचने वाली हूँ मैं। इधर कोई लड़का सडनली तुम्हारे पास आके अगर आई लव यू बोले तो तुम क्या बोलोगी? चप्पल से मारूंगी। अगर कोई लोफर को चप्पल से मारोगी तो ओके, अगर राजा जैसा जेंटलमैन बंदा आई लव यू बोले तो? राजा क्या? मार्केट में ब्याज का धंधा करने वाले राजा के साथ मेरी जैसी हाई फाई लड़की ने फ्रेंडशिप की, यही बहुत ज्यादा है। और उसमें भी प्यार। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू मी, अगर प्यार किया तो उसमें एथिक्स देखो, मोरालिटी देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस मैच हो रहा है कि नहीं देखो, सही हो ना राजा? चिका, राजा चल। हेलो मैडम, इंग्लिश में बात करने से कोई हाईफाई नहीं बन जाता, स्टेटस कुछ मीठी मीठी बातें करने से नहीं, दिल के अंदर होना चाहिए। किससे पूछा तुमने स्टेटस? क्या तुम जानती हो उसका स्टेटस क्या है? बोलो क्या जानती हो तुम? चीका चल। आ रहा हूँ गुरु। गीता, ये तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उसे? वो पालने के लिए हाइब्रिड कुत्ता चाहिए, लव करने के लिए हाईफाई लड़का चाहिए। इंसान को जिंदगी बसाना है तो सिर्फ पैसा कमा के रखना है, इन सबको चीका इन सबको सही वक्त पर यूज करके छोड़ देना चाहिए। ए! मारो गुरु मारो। जब तुम्हारे स्टेटस के बारे में बोला उसी वक्त उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं चुप था, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। कुछ लड़कियों को ओरिजिनल क्या है सेकंड हैंड क्या है समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ इधर उधर घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए फ्रेंड के नाम पे बकरा चाहिए, शादी होने के बाद फॉरेन जाके सेटल होने के लिए बैंक बैलेंस रखने वाला पति चाहिए। उसने अपने राजा के स्टेटस के बारे में बात की है, उसका स्टेटस जानेगी तो शौक हो जाएगी वो। क्या बोल रहा चिका? अपना राजा कौन है उसका बैकग्राउंड पता है क्या उसको? राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर है अपना राजा। उसका घर घर नहीं है, राजमहल है। राजा की बुआ की बेटी लवण्या की शादी फिक्स हुई थी। शादी के चार दिन पहले राजा के घर में लड़के की तरफ से पार्टी का इंतजाम हुआ था। क्या भाई, दारू वारू कुछ नहीं है क्या? अरे चुप कर यार, माँ यहाँ पर है। कुछ नहीं। हेलो, कहाँ पर हो तुम? सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे पर तुम हो कहाँ पर? घर के अंदर ही हो राजा, जल्दी आओ ना। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लावण्या? राजा। कहाँ हो तुम? राजा मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या बात है बोलो? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या कर रही हो तुम? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजा मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ये सब गलत राजा है। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। राजा लावण्या, देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करी, छोड़ो छोड़ो मुझे। लावण्या मैंने कहा ना, लावण्या राजा। हाँ, ए पापा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट, मेरी बात सुनिए आप। ए क्या, एक मिनट बोल रहा है? देखिए शांता, जल्दी आ रहे, देख रहे
तेरे भाई के लड़के ने कैसा घटिया काम किया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सगी बुआ की लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत किया है, इसको तो इसी वक्त घर से मार कर निकाल देना चाहिए। अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? शांत हो जाइए, पहले मामले का पता तो करो। क्या पता करना है, मेरी आँखों के सामने मेरी लड़की की साड़ी खींच रहा था, इसने सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर दी। अब मेरी बेटी समाज में किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रही। मामा आगे पीछे सोचे बिना आप कुछ बोलिए मत। आगे पीछे सोचे बिना मैं बात नहीं करता, ऐसे घटिया लोग इस घर में है मुझे पता होता तो मैं उसे कदम नहीं रखने देता। मामा मुंह में जो भी आया बकिए मत। कौन रे, कौन बकवास कर रहा है? इसके बाप के मरने के बाद इस कमीने को जमीन का एक हिस्सा देकर घर से भगा देना चाहिए था। अरे सुनिए, आज तक इस घर की मालकिन भाभी ही है, ये बात ध्यान में रहे। वही घर की मालकिन है इसलिए इतने दिन चुप रहा, हमें यहाँ बुलाकर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान, कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अरे मामा आओ आओ जी आओ, तुम्हारे लड़के ने कैसी घिनौनी हरकत की है तुम ही पूछो इससे। क्या किया तूने? क्या किया तूने? भाभी तुम्हारे मारने से इसने जो गलती की है क्या वो ठीक हो जाएगी? कुछ भी, क्या आप चुप रहोगे क्या? ये क्या, ये क्या किया तूने? मैं तुम्हें अपना बेटा समझती थी ना, रिश्ता करने आए लोगों के सामने मेरी इज्जत निकाल दी, क्यों किया ऐसे? क्यों आप क्यों आंसू बहा रही हो? ये मेरी होने वाली बहू है, ऐसा नीच इंसान मेरी बहू के साथ गलत सलूक करेगा तो क्या मैं अपनाऊंगा नहीं? एक मिनट, इस घर में कोई नीच नहीं है, सबके सामने तूने मेरा सर झुका दिया ना, जा बाहर, जा बाहर। अगर तू कभी लौट कर मेरे सामने आया तो मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखेगा। निकल जा यहाँ से। अगर तब राजा सच बोल देता तो लवण्या का जीवन नष्ट हो जाता। सारी सच्चाई अपने दिल में दबाकर वो अपने घर और अपनों को छोड़कर दूर आ गया। उसके घर में काम करने वाला मैं, बिना मेरा स्टेटस देखे ही उसने मुझसे दोस्ती की, मुझे अपने साथ रखा, ऐसा है अपना राजा। इसलिए वो जब घर छोड़कर आया मैं भी आ गया, और वो लव करने के लिए उसका स्टेटस पूछ रही है। अपने राजा का स्टेटस क्या है पूरे स्टेट को पता है। करीमला हाँ? चल उसके घर चल के उसके पूरे खानदान को सबक सिखाते हैं। तू गाड़ी रेडी कर, मैं जाके तलवार लेके आता हूं। मनो ठीक है भाई, कुछ पता चला? थिएटर आया हूँ भाई। अरे कल यहाँ थिएटर में जो झगड़ा हुआ था वो लड़का कौन है भाई? कौन है वो पता नहीं, पर वो व्हाइट जीप में आया था। व्हाइट जीप में आया ऐसा पता चला। आजू बाजू में पूछ के देख। हाँ भाई पूछता हूँ, बैठ रहे। स्वाति जल्दी चलो। राजा, राजा उठो। गीता इतनी रात में तुम यहाँ? चैत्रा, गीता जल्दी बाहर आओ, चैत्रा अनवर के साथ घर से भाग गई है। क्या? मम्मी पापा अब तक ये बात नहीं जानते हैं दीदी। गीता राजा के पास जाके हेल्प मांगते हैं। राजा के पास? राजा कौन है? गीता का फ्रेंड है आंटी, तुम लोग जाके जल्दी से राजा को बुला के लाओ, जाओ। उसके मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता। राजा प्लीज हेल्प करो, प्लीज प्लीज। चलो ए उठ, जीप की चाबी दे। सुनो व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा, सारे आदमी को भेज दो जल्दी, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तुरंत मुझे फोन करना। ओके ओके। लड़कों को बोलो कि रेलवे स्टेशन पे चेक करें, व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भेजा है। सब जगह पे देखो, बस स्टैंड में भी चेक करने को बोलो, प्राइवेट बस को मत जाने देना, सबको चेक करो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, हर जगह ढूंढो। रेलवे स्टेशन में नहीं है गुरु। यहाँ पर भी नहीं भाई। यशवंतपुर में भी नहीं गुरु। गुरु एरिया में सब लड़के ढूंढ रहे हैं। राजा मेरी फ्रेंड मिसिंग है सर, एक फोटो मुझे भेज देना। ठीक है सर भेजता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम, और कोई नंबर है क्या? नहीं है। हेलो राजा, व्हाट्सएप पे जो लड़की का तूने फोटो भेजा है वो इधर ही है। कहाँ पर? कैंगरी रेलवे स्टेशन पे। चैत्रा कैंगरी रेलवे स्टेशन पे है। चल छोड़ दो उसे। राजा तू इसमें इंटरफेयर मत कर, ये मेरा पर्सनल मामला है।
क्या पर्सनल मामला है रे? प्यार में मुश्किल आएगी तो उसका सामना करना चाहिए, डरपोक की तरह भागना नहीं चाहिए। कितना भी मनाने के बाद मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? तो क्या करेंगे वो? बेटा बोलकर तेरी शादी करवा देंगे? उन्होंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्लीज राजा छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? यहाँ पर भाग कर आ गई तुम, तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान हैं, सोसाइटी में उनका नाम भी खराब हो सकता है, उनकी जिंदगी नहीं है क्या? माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो। अगर भरोसा टूट गया तो वो भी तुमको दरवाजे के अंदर बंद करके जाएंगे, पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो। राजा मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। ए पूरी हिस्ट्री देख ले, बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार कामयाब नहीं होता। तुम दोनों आज भाग जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है? जब तक माँ बाप साथ में हैं, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनके ना रहने पे समझ में आती है। इतनी बड़ी भूल मत करो। अपने प्यार के लिए तुम एक साल इंतजार कर सकते हो ना, उसी तरह अपने पेरेंट्स के लिए तुम एक साल इंतजार नहीं कर सकते? देखो प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की मैं इज्जत करता हूं। अनवर मेरी बात समझ में आ रही है? चैत्रा तुम्हारे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। सॉरी राजा, इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूं। बाय दीदी। बाय। राजा तुम्हें अपने माँ बाप बहुत पसंद है क्या? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? थैंक यू राजा। गीता चैत्रा मिली क्या? मिल गई माँ। तो फिर इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। क्या किया इसने? आंटी वो राजा है ना, इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन ये है कि उसे जाने बिना इसने उस बिचारे का दिल दुखा दिया। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। हमारे बुलाने पर आधी रात में आकर उसने हमारी मदद की। देख गीता, स्टेटस दिखाने वाले तुझे बहुत मिलेंगे, लेकिन माँ बाप की इज्जत करने वाला करोड़ों में एक ही होगा। ऐसे आदमी को मिस करोगी तो इस दुनिया में तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। देख गीता, तुम अभी उसको बोलती हो, नहीं तो मैं वेटिंग में खड़ी हूँ। वैसे भी मेरा कोई लवर नहीं तो मैं उस पे ट्राई मारती हूँ। हे आई लव हिम मॉम, आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ? हाँ, हमें दामाद मिल गया। इज इट कांग्रेचुलेशन, शादी का हॉल बुक करें। अरे बेवड़े, इतने दिन कहाँ मर गया था, दिखा नहीं तू? मैसूर में अफ्रीका से लाया गया बाघ का नेल पॉलिश करने गया था। सुबह सुबह पीना चालू कर दिया क्या? खुद को समझ के क्या रखा? अपमान करने वाली कोई खरीदारी करने ले गया था। मैं क्या, कॉफी डे में सबके सामने तेरे मुंह पे चप्पल पड़ी, तेरा तमाशा बना, कमीने फिर भी अकल नहीं आई तुझे? चिका तू ओवर बात कर रहा है। कल भगाने वाले कोई भगा लिया तो पकड़ने बुलाएंगे तो फिर मुंह उठा के पीछे पीछे भागेगा क्या? आज वो आकर राजा 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 मेरे घर पे नौकरानी नहीं आई है, आकर कपड़ा धो ऐसा बोलेगी तो वो भी धो लेना। कल को रंगोली बनाने बोलेगी, सब्जी काटने बोलेगी, घर साफ करने बोलेगी, फाइनल में घर का काम करने के बाद तुम्हें ही घर का चौकीदार बना के रखेगी। करेगा ना राजा? चिक्का बेहोश होकर गिर गया, पानी लेके आ रहे, जल्दी लेके आ, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल। चिक्का क्या हुआ तुझे? बोतल लेके आता हूँ ना मैं। मैंने बोला था ना ये होश में आ जाएगा। होश आया राजा? कब आया? चैत्रा कैसी है? तुम अकेले क्यों गए? मुझे भी बुलाते तो मैं भी आता था ना। गीता तो अच्छी है ना? मैं जिम जाकर आता हूँ,
थोड़ा वर्कआउट करके आता हूँ। तेरे में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। एए, कौन है, किसने कहा मुझे शर्म नहीं आती है? मैंने बोला। क्या गुरु, मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचानता क्या? एए, अगर किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर दिखा रहे। सुधरेगा ये। ओ, राज ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजर विजय। राजा के साथ घूमने वाला फालतू आदमी वो तू ही है क्या? तू अब भी वहाँ है क्या? अच्छा, तू अब भी यही है क्या? अरे अब भी वही टाई, वही बंधन, वही शर्ट, वही पैंट। ओए, पैंट के अंदर का अंडरवियर भी वही है। देखेगा देखेगा, निकालो देखेगा। एक के सामने गोश्त काट कर चकना बेचने वाला टाई पहनकर टू व्हीलर में आएगा तो ऐसा ही होगा। ये गोश्त काटने वाले को गाड़ी के साथ खाली करो। बेटा विजय भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा हूँ। चाचा जी ने कल तुमको रजिस्ट्री ऑफिस बुलाया है। ठीक है, मैं आ जाऊँ। हेलो हेलो राजा। हाय रानी। हे करिमला, मैं हूँ गीता। सॉरी राजा, किधर है? वो क्या है कि फोन इधर छोड़कर रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए हैं वो। ओह ठीक है, मैं उधर चली जाती हूँ। सत्यराज कैसे हो? ठीक हो? 10 मिनट में बुलाता हूँ तुमको। हाँ ठीक है। भाई, मेरी और लावण्य की साइन जरूरी है क्या? हाँ शांता। और कितना वक्त लगेगा? दीदी आप कार में ही बैठो, तैयार होते ही मैं खुद बुलाता हूँ। लावण्य, पिताजी, भाई अकेले खड़े हैं वहाँ, उनको भी बुला लो ना। नहीं अभी रहने दो बेटी। एटलीस्ट मुझे उनके साथ जाके बात करने की इजाजत दो। नहीं बेटा, बेकार में रामायण की कहानी को दोहराओ मत। भाई को ऐसा देखने पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये इधर क्यों आई? सुनिए मालिक, आप लोग आइए। आते हैं। बेटा विराज तुम भी आओ। हेलो, यहाँ किस लिए आई हो? राजा को मिलने के लिए। नहीं मिल सकती। क्यों नहीं? उसकी माँ इधर आई है। माँ आई है? हाँ, उधर BMW कार से बाहर आ रही है ना, वही है अंजना देवी जी, अपने राज की माँ। राज ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, उसकी ओनर। आज किसके लिए आई है पता है? 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को मंदिर के नाम दान में देने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए घर के सारे लोग आए हैं और हमारा राजा भी आया हुआ है। उस दिन कुछ स्टेटस बक रही थी ना, ये है हमारे राजा का स्टेटस, समझी क्या? चल। मिस्टर विराज। करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाए, ऐसा माहौल खड़ा कर दिया उस पंडित ने। कहाँ है वो बुड्ढा? ए भैरव, मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर क्यों आ रहे हो? गांव छोड़कर जाने वाले बंजारे लोग को बुला के सबको अपने सर पर चढ़ा रहा है तू? यहाँ किसी को भी लेकर आ जाओ, लेकिन यहाँ का राजा मैं ही हूँ। क्या जाली बात कर रही है? अन्याय को रोकने वाला क्या कोई नहीं है यहाँ पे? 10,000 है, रख ले। हाय राजा। हाँ हाय, ये बैलेंस है, तू रख ले। ठीक है, बाद में मिलते हैं। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। राजा, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाकर प्यार क्या होता है इसका मतलब तुमने बताया। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। गीता है ना, तुमसे बहुत प्यार करती है राजा। ऐसा क्या? यही सब बताने के लिए वो आज रजिस्टर ऑफिस गई थी। तुम कौन हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, ये उसे मालूम पड़ा। उसे गिल्टी फील हुआ और इसी वजह से वो वहाँ से वापिस चली गई। उसने मुझसे कसम ली है कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, फिर भी मैंने तुम्हें ये बता दिया। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है राजा। गीता गीता गीता, इसे प्रपोज करने के लिए 3 साल लग गए, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर खुद प्रपोज कर दिया। हमारा लव मैरिज हुआ है। बाय। हेलो, लेट मत करना। हेलो गीता दीदी, गीता दीदी। कौन दीदी? एक सलाह देता हूँ, सुनो। बोलो। मेरे ऑटो के पीछे क्या लिखा है जरा देख लो। What? मुश्किल से
कमाया हुआ पैसा और चाहने वाले लड़के को कभी भी हाथ से निकलने मत देना। आसमान के तारे खुद जमीन पर उतर कर आए हैं, ऐसे ही लग रहा है। ये ले लो बेटी। क्या है माँ जी? तुम खुद खोल कर देख लो। किसने दिया माँ जी आपको ये? एक खूबसूरत लड़का राजकुमार ने दिया बेटी। वहाँ उसे देखो। मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है, पर उससे भी कीमती मेरे लिए सिर्फ एक औरत है, मेरी माँ। और उस माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरा दिल सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। मिस्टर हार्डवेयर अंकल सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है हार्डवेयर पैर हटा लो। ए रोक 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 गाड़ी रोक गाड़ी रोक पीछे ले। उस दिन जब थिएटर में इंक्वायरी किया था उसने बोला था कि व्हाइट जीप में आया था ना? हाँ भाई। ये मनो वो अंदर ब्लू कलर का चेक शर्ट पहना है ना वही है। ठीक है भाई। अरे क्या बात है। चल इधर से हट। तेरा एरिया कौन सा है, नाम क्या है, क्या कभी भी इस बार में आ जाता है? बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं। एरिया जानकर तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे तेरी तो। ए, और कौन इसके साथ? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ बार में कुछ गुंडे लफड़ा कर रहे हैं। भाई अपना लड़का इंक्वायरी के लिए गया था, उसको कुत्ते की तरह धो डाला भाई। छोड़ना मत उसे। भाई बार वाले ने पुलिस को फोन कर दिया है, अगर हम लोग रुके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उल्लू के पट्टे, चल फोन रख। सुनिए 10 सालों के बाद आप गांव जा रहे हैं, राजा को भी साथ में लेकर जाइए ना। उसकी माँ राजी नहीं होगी। इस घर का वारिस है वो, कुल देवता की पूजा में वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, कोई अच्छा समय देख के मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्ते मार्किन। शोभा बच्ची के लिए थोड़ा दूध लेकर आऊंगी क्या? ठीक है। आओ लावण्या, कैसी हो? बुआ मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ राजा ने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया। मेरी वजह से राजा को घर छोड़ के जाना पड़ा। उस दिन की गलती की वजह से राजा अब तक वो सजा भुगत रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो बुआ। ए, कल रात को जिन लोगों ने लफड़ा किया था वो कौन है? मुझे पक्का पता है कि यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। वो कौन है, कहाँ रहता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। बाजार के लड़के लोग सर। बाजार के लड़के लोग? हाँ हाँ। बोलो तोरी। भाई पता लग गया है, वो बाजार का ही छोकरा है। छोड़ना मत, छोड़ना मत, जान तो मार दो। ठीक है भाई। हाँ। चलो रे। नमस्कार। नमस्ते। ये किस लिए भाई? आइए आइए, ये सब आपके स्वागत के लिए। सुनिए सत्यराज भाई, अब आप ही को इस मंदिर का धर्मरक्षक बनकर रहना है, ऐसा हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है। सभी को मेरा नमस्कार। इस रजिस्टर में साइन कर देंगे तो हमारे मंदिर के सारे रीति रिवाज पूरे हो जाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।
अधिकार हाथ में आया तो तुम जो चाहे भगे जाओगे क्या बे? हमें बेवकूफ समझ रखा है? हाँ बेवकूफ समझा हमें क्या है? हमें बेवकूफ समझ रखा है? पागल समझ रखा है? हाँ बेवकूफ कहीं का? अरे छोड़ो, इज्जतदार आदमी है वो, ऐसे उसकी इज्जत नहीं उतारने का। चलो उस दिन मंदिर में सबके सामने उसने मुझे चप्पल से मारा और आज अपने गुंडे के जरिए सत्यराज के मुंह पे तमाचा मारकर उसकी बेइज्जती की। इस गांव में उसके अन्याय को रोकने वाला कोई भी मर्द नहीं है क्या? कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। इतने समय से अपनी गुंडागर्दी से हम सबको डरा रहा है, ऐसे किसी इंसान को बुलाना होगा जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, तब जाकर उसको अकल आएगी। हम भी अगर उन गुंडों से लड़ेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसे गुंडे लोगों के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन लिखाने का कोई फायदा नहीं, जड़ से उखाड़ना चाहिए। राज्य का पालन करने वाला राजा वनवास गया ये जानने के बाद गली का कुत्ता भी पूंछ हिलाकर सीना तान कर घूम रहा है और ये लोमड़ी लोग भी राजवंशी होने का रोब जता रहे। आज अगर हमारा राजा रहता तो किसी को हमारे घर के चौखट में आने की हिम्मत नहीं होती। अगर भाई यहाँ रहता तो चटनी के जैसे ही सबको पीस डालता, इनकी गुंडागर्दी निकल जाती। इन लोगों की हिम्मत नहीं होती अगर मेरा भाई यहाँ पे होता। माँ, भाई कहाँ है? उसे बुलाओ यहाँ। बदमाश, कितनी बदमाशियां करते हैं, मारूंगी तुझे। करेगा चोरी, करेगा तू, बोल। हाँ अरे माँ, गलती उसकी है कि नहीं पहले पता तो करो। हेलो हेलो माँ, माँ जल्दी राजमहल आ, जल्दी राजमहल आता हूँ मां। राजा किधर रहता है? उस तरफ। राजा है क्या? नहीं है। क्या बात है? फाइनेंस के बारे में बात करनी थी, कहाँ मिलेगा? गांव गया। गांव किधर? कोतनाली। कोतनाली भाई, वो कोतनाली गया है भाई। कोतनाली गाँव का है वो? हाँ भाई। आ जल्दी आ, लड़के लोगों को ले गया। अभी आ रहा हूँ भाई। तुझे क्या मैं अमिताभ बच्चन दिख रहा हूँ? इधर कहोगी रखेगी या यहाँ रखेगी? चल। मेरे चाचा पे किसने हाथ उठाया? बोलो। तेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, उसका हाथ तोड़ डाल।
अरे कौन है तू? फाड़ने की वजह से तेरा ये हाल है। इसके आगे कोई हरकत की तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। इज्जत खोना गौरव नहीं है बल्कि बेइज्जती है। इज्जत को संभाल कर रखना ही अपना गौरव है, याद रख। कई लाखों लोग हमारे आगे हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। हम लोगों की कितनी ताकत है, क्या इतिहास है, ये समझ लो, ये याद रखना। हमारे सामने खड़े होने के लिए तुम्हारी औकात नहीं, हमारा सामना करने के लिए भी तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए। सुन, अगर शेर चुप है तो उसके पास आने की जरा भी कोशिश मत करना। डर डर रहना चाहिए। ये जो तेरे सामने है वो मेरा बेटा है, राज विराज। उस दिन थिएटर में एसपी को बचाने वाला यही था भाई। आज इसने आपकी जो इज्जत का फालूदा किया है भाई, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। क्या दिख रहा है? पी ले। राजा,
आज जो तूने किया उससे इस घर की इज्जत मान मर्यादा गौरव सब बच गया। अब हमें छोड़ के कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। मैं जा रहा हूँ चाचा जी। राजा। भैया, राजा। चलता हूँ चाचा। प्लीज भैया मत जाओ ना। प्लीज भैया, भैया मत जाओ ना। प्लीज इधर ही रहो ना भाई। चलता हूँ मामा। राजा, मुझे छोड़ के मत जा बेटा। 3 साल से तुम हमसे दूर रहा, मैंने क्या क्या नहीं सहा, उन दुखों को मैं ही जानती हूँ। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुमने जो गलती नहीं की उसकी मैंने तुम्हें सजा दी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। राजा, तुम इस घर के चिराग हो, तुम नहीं रहोगे तो अंधेरा हो जाएगा। हमारे साथ ही रहो राजा। हाँ भैया। मैं अब नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। राजा, तुम्हारे साथ रहूंगा मां। रुक जाइए बहन, हम सब के बुलाने पर आप लोग यहां पर आए, और आपके मुश्किलों के वक्त हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो इसमें भगवान की क्या गलती है बहन? मैं रजिस्ट्री पेपर में सत्यराज जी के साइन लेने आया। नहीं चाचा जी। क्यों सत्यराज? मेरा भाई मुत्तुराज इस पूरे वंश का गौरव था और पूरा इलाका उनको मानता था, और आज वो छवि राजा में दिखती है। इस वंश का सच्चा वारिस है वो। धर्म की रक्षा के लिए राजा ही सही है। उस भैरव की हड्डियों को तोड़कर हमारे मान सम्मान को इसने और भी ऊंचा कर दिया है। प्यार का प्रतीक, बुराई को खत्म करने की वीरता। आप दोनों हमारे मंदिर के धर्म रक्षक बन जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? रुकिए, शेर जब सिंहासन पर बैठ जाता है तो कोई भी कुत्ता बिल्ली उसे आंख नहीं दिखा सकता। हमारा राजा हमारे साथ रहेगा तो वो खुद ही एक सेना के बराबर है। आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने मेरा बेटा धर्म रक्षक बनेगा। हाँ रुको। फिर देर किस बात की, रजिस्ट्री पेपर में साइन कर दीजिए। पुजारी जी, इतने दिनों से चल रही संस्कृति को हमारे लिए बिल्कुल मत बदलना। भगवान के मामले में फैसला बदलने वाले हम कुछ भी नहीं। आप एक अच्छा सा मुहूर्त देखिए, भगवान के सानिध्य में सभी कार्यों को होने दो। ठीक है बहन, आने वाले रामनवमी में करेंगे, चलेगा? ठीक है पुजारी जी। ए ड्राइवर, नीचे वाले सब अच्छे से गाना सुन रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं, हम नहीं सुने क्या? आवाज नहीं आ रही, साउंड बढ़ा बे। ए आवाज कर रहे, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। हम लोग बस में बैठे हैं। हाँ तो हाथी पे बैठे ऐसा नहीं लग रहा? हाँ, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। क्या रे? क्या है, सिंहासन हाथी के ऊपर रहता है, इधर सिंहासन के ऊपर हाथी है। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। टिकट। ए कंडक्टर होकर रनिंग बस में चढ़ रहा, तेरे पास अकल नहीं है क्या? नहीं है क्या? भाई तुम मेरे मामा के सौतेले लड़के जैसे दिख रहे हो, हमें टिकट देने आ रहे हो, तुम्हारा टिकट कट गया तो सोचा है तुम्हारी बीवी का क्या होगा? हमें तुम्हारे घर का एड्रेस भी नहीं पता। चले जाते हैं। मेरे पूरे परिवार को मेरा ड्राइवर देख लेगा, तुम अपना टिकट निकालो। ओ पार्टनरशिप में बैटिंग कर रहे हो, एंजॉय। ठीक है, कोतनाली के लिए दो हाफ टिकट दो। तुम दोनों का काट करना पूरे गाँव को खिला सकता हूँ। बेवकूफ, हाफ टिकट बोलता है।
ए, तुझे मच्छर की तरह मसल दूंगा, अगर करीमाला बोलेगा तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। ठीक से बात करो, इज्जत से बात नहीं कर सकते। नीचे वाले आराम से बैठकर पिक्चर देखते हुए आ रहे हैं और हम यहाँ ऊपर बैठकर अपनी जान खतरे में डालकर। आप टिकट दे बे। ए, तू टिकट लेता है या नीचे उतारूं तुझे? क्या मतलब? टिकट लेता है या उठाकर फेंक दूं? ए, तेरी इतनी हिम्मत, अब तू ऐसे पूछेगा? मैं कौन हूँ? मैं भी कमरे उठाकर नीचे फेंक दूंगा। ए चिक्का, बिल्ली? ए, अपने गांव में शेर को बिल्ली बुलाते हैं। ऐसा क्या? आ जा तू। अरे चिक्का, अरे चिक्का, मुझे लटका रहे बिना टिकट। अरे मैं यहाँ लटका हूँ, मुझे आके बचाओ। अबे मोटे, कितने टाइम लगा दिया, मुझे बचा। चिक्का, टाइम वैसे ही सही नहीं चल रहा है, ज्योतिष ने जो बोला बिल्कुल सही निकल रहा है। छूट तेरी, तो बचाने के लिए बोला तो गड़ाओ के कमेंट मार रहा है, अगर नीचे उतरूंगा तो पत्थर लाके मारूंगा। देखता हूँ कहाँ जा रहा है। ए चिक्का, सामने से बस आ रही है, तू चिंता मत कर, आंखें बंद करके जय हनुमान बोल के कूद जा। ए, जंप तो मार दूंगा, लेकिन कहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। उसके लिए क्यों डर रहा है? उसके लिए मैं हूँ ना यहाँ। कमीने तेरी तो। ए चिक्का, चिक्का बस आ गई, कूद कूद कूद, कम ऑन चिक्का, कम ऑन चिक्का, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, लूंगी बोतिया रे। ए थू, चोर के बच्चे। अबे मैं यहाँ लटका हूँ, नहीं तो तुझे देख लेता, तेरी बाप की जात का बैदा मारू, तेरे पूरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। आथू, क्या बे? सुन, उस पेड़ से टक्कर तू वैसे ही नहीं रह सकता। सामने से कोई तो मैयत आ रही है। चिक्का, इस पर नाटक मत करियो, कूद जा। मैं बस स्टैंड के इधर रुकता हूँ। तेरी तो, मैं कैसे उतरूंगा बे? ए करीमला, इधर आ बे। अबे मरा नहीं तो ऐसे लेट कर मरे हुए का नाटक क्यों कर रहा है? अरे बहुत बड़ी कहानी है बेटा, मेरे बच्चे और बहु लोग जायदाद को हड़पने के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ बेटा। तुझे तो मैं ही मार डालूंगा। ए, वो सब बेचारे इतनी तकलीफ में फूट फूट कर रो रहे हैं और तू मरने का नाटक कर रहा है? अरे बेटा, उनके आंसू में टीआरपी ज्यादा है, नाटक कर रहे हैं वो लोग, चाहो तो अगल बगल जाकर देख लो। ऐसा क्या? चार एकड़ आम के बाग तुम ही रख लो, पाँच एकड़ केले के बाग मैं रख लेता हूँ। दीदी, सारे जेवर आप रख लेना, सारा मोती तुम रख लो। अरे तेरी तो, पता चल गया ना। ओहो, ये सब इसलिए नाटक कर रहे हैं? देख बेटा, मेरा सब कुछ तेरे नाम कर देता हूँ, कुछ भी करके मुझे बचा ले बेटा। एक मिनट रुको। ठीक है। हाँ मेरी जान, हम दोनों ऐसे ही मिलके रहेंगे तो जिंदगी बड़ी अच्छी से गुजरेगी। ए पुत्राजू, मॉर्निंग वाले, हमारे आने के पहले घर साफ कर देगा बोल के हमारे आने के बाद इतना लेट आ रहा है, किधर गया था? वो क्या है ना मालिक, कि मैं गांव चला गया था। किस लिए गया? मजा करने के लिए, नहीं नहीं, खेती करने के लिए। क्लीन करने के बाद वहां जाना चाहिए था ना। अरे घर तो क्लीन कर दिया था। कहां किया है? अरे मैंने ही उस घर को क्लीन किया था। किस घर को किया था? सेटअप का घर। क्या सेटअप, क्या बोल रहा है? अरे आप नहीं समझोगे, दो दो मोबाइल और दो दो घर रखने वालों की यही समस्या होती है, नंबर ही भूल जाते हैं और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं। अब कैसे समझाओ इनको? यही तरह रोज का नाटक करते हैं। बताओ कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, देखो चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। जी वो क्या बोल रहा था? तुम उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अंदर जाओ। तेरी तो, इतनी स्पीड में चला रहा है और ऊपर से अचानक से ब्रेक भी लगा रहा है, कहीं मैं मर जाता तेरी जान का। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे यारा। क्या देख रहा तू? हेडलाइट देख रहा हूँ। तेरा हेडलाइट फोड़ दूंगा। वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। ऐसे, ऐसे। अबे तेरे भाई की होने वाली बीवी है वो। भाई कौन है? मैं हूँ। ए, मैं हूँ। हाँ वही तो, इसका आरसी बुक मेरे नाम पर है। उस गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव मैंने ही लिया था। बैटिंग करने के लिए कौन पहले फील्ड में उतरता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कोर कौन करता है ये इम्पोर्टेंट है। मैन ऑफ द मैच मैं ही हूँ रे। बैट पकड़ने की भी तमीज है क्या? ओवर बात कर रहा है। अरे तू कौन है? क्या मैं उठा के फेंकूंगा ना, कहीं तो नहीं देखो मेरा कॉल आ रहा है, तुम्हें वीडियो बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, हाय गीता। क्यों सर, माँ के घर जाने के बाद गर्लफ्रेंड को भूल गए क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था। कितने दिन हो गए तुमको देखे हुए, मेरा दिल और दिमाग दोनों डिस्टर्ब हो गया है। आई मिस यू सो मच जानो। तुम फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या कहा, मजाक मत करो। हे, आई एम सीरियस। कहाँ पर? देखो, मैक्सिमम 5 किलोमीटर होगा, बस इतना ही, आ गई। गीता, मेरी बात सुनो, तुम जहाँ पर हो वही रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। राजा, राजा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ओहो, आने से पहले फोन करना चाहिए ना। हाय राजा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, फिर भी तुम यहाँ पर चली आई। कुछ चलो, जाओ यहाँ से, जाओ। बाइक, बाइक पे जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। बाइक बाइक कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता, मेरी बात सुनो। बाइक पे कोई भी हमें देख लेगा। अरे, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को कार से ज्यादा बाइक में ले जाना पसंद करते हैं, पता है तुमको? ऐसा क्या, लेकिन क्यों? तुम्हारी बायोलॉजी बहुत वीक है, यहाँ कहीं गड्ढा आएगा तुम अपने आप ही समझ जाओगे। गड्ढा आने पर मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा, पर वो कैसे? अब पता चल गया। गीता, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर ऐसे मत आना, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊंगा। है? 2 दिन हो चुके हैं, कॉल नहीं, मैसेज नहीं। मैं कोई फेसबुक ऐप हूँ क्या? जब चाहे लॉग इन करो, जब चाहे लॉग आउट कर लो। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, हाँ, समझे? जवाब दो। हेलो भाई। बोल। राजा बस स्टैंड पर है। मैं आता हूँ अभी उधर, चल वहीं रहना, आ रहा हूँ मैं। ऐसे करते रहोगे ना तो तुम्हारे घर पे आके सेटल हो जाऊंगी, सच में। अरे, लुक एट मी, कुछ बोलोगे नहीं क्या? तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ मैं, बोलो। गीता, बस स्टैंड वहां है, तुम चली जाओ और संभल कर जाना। हेलो। हाँ बोलो गीता। स्वाति, मैं राजा के गांव से बस में आ रही हूँ। क्या कहा, राजा ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है यार, तुम समझोगी नहीं, तुम मुझे आकर पिक करो बस। भाई इधर है रे, वो इधर ही था, वो इधर यहीं कहीं होगा, गाड़ी यहीं खड़ी है। भाई चाय, मैं मंगाई रही है चाय। सर, आप अपने परिवार में से किसी का नंबर देंगे? क्यों? क्योंकि 5 मिनट में सबका तोड़फोड़ हो जाएगा और एम्बुलेंस आके सबको लेकर जाएगी। लोगों का बिल्डअप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या भाई, चाय चाहिए कि नहीं? थैंक यू सर। भाई, इसको अपना चाय नहीं चाहिए, तुम्हारा फुल मिल्क ही चाहिए। आ जाओ। अब तू भुगतेगा। ए, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो। तुझमें अभी भी अक्कल नहीं आई? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सॉरी बॉस। शेयरिंग ऑटो, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको। ए, उठा के मार। तूने कमिटमेंट किया है, पूरा तो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तेरी बारी है, आ जा। रुको। ए, चार चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो। अरे क्या कर रहे हो कमीनो? उस दिन आपसे मार खाकर अब तक पेन किलर खाकर संभल रहा हूँ, अब मार खाया तो सीधा परलोक में जाके सो जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं यही सो जाता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है तू। नामर्द खिलजड़े के बच्चों, उठ के मारो उसे। अब तक देखा ह्यूमर टच, अब देख हैमर टच।
बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था ऐसे बोल रही थी ना। अब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजती हूँ वो देख। देखती हूँ देखती हूँ। क्या हुआ था भैरो, ठीक है? ए, लगे हुए घाव पर नमक मत छिड़को। नमक क्यों छिड़कूंगा मैं भैरो, उस लड़के ने सबके सामने तुझे पीटा, पूरी मार्केट के लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, समझा तू? क्या बोल रहे हो? तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने YouTube पर अपलोड कर दिया, ये देखो। चार लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों ने लाइक किया। किसने इसे YouTube पर डाला? पहले से ही भाई टेंशन में है, डालने वाले का नाम बताओ मुझे। माय हीरो साइट से अपलोड किया है, लगता है ये किसी लड़की का काम है। उसका IP एड्रेस डिटेल सब देता हूँ तुम्हें, पहले जाके उसे उठाओ। आपने बुलाया मुझे? राजा, ये भैरव एक घायल सांप के बराबर है, कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमारे परिवार के बारे में सोच के ही डर लगता है। तू एक काम कर, जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर दे। ठीक है चाचा जी। इस वीडियो में तुम ही हो ना? हाँ मैं हूं ऑफिसर। अरे सिम सर, अपनी जान को खतरे में डालकर जान बचाने वाले को एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत नाइंसाफी होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी बीवी ने बचपन में ही उसके मां बाप को खो दिया था, अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती। तुम्हारी वजह से उसका सिंदूर बच गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारे और भैरव के बीच में क्या लफड़ा है? तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं। आकाश। यस सर। अब उस भैरव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर 1000 पुलिस की सिक्योरिटी लगा दूं तो भी कम है, क्योंकि अपना बब्बर शेर ही उनके लिए अकेला काफी है। ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसे हिम्मत यहां किसी में नहीं। मां, आपने किसी साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है। डर और दहशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बब्बर शेर। चलता हूं मां जी। भाई कौन है जिसने YouTube पर तुम्हारे फोटो पर माँ हीरो लिखा है? क्या बात है, गर्लफ्रेंड है क्या? ए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, कैरी ऑन। हाय राजा। गीता, भैरव को मारते वक्त तुमने वीडियो निकाला? हाँ तो? पर उसे YouTube पे क्यों अपलोड कर दिया? मैंने? No way. Oh, wait. वो वीडियो मैंने स्वाति को भेजा था। I think she has uploaded it. एक मिनट, हाँ, I'll put you on conference. But सब कुछ okay ना राजा? क्या okay है? वीडियो अपलोड होने के बाद उसे 16 लाख लोगों ने देखा है। ठीक है, कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालो। ओके। तूने किस से पूछ के ये वीडियो को YouTube में डाला? सर, वो हेलो स्वाति,
सबके सामने वीडियो बनाकर तू यूट्यूब में डालकर मेरे सामने नाटक कर रही है। तेरी तो अब बताता हूँ तुझे। सर, वो मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड गीता ने वीडियो बनाया था। राजा, राजा अब क्या करेंगे? तुम घर में मत रहो, तुम जल्दी से मार्केट में चली जाओ। मार्केट में? तुम्हारे लिए उससे सिर जगाओ कोई नहीं हो सकती है, जल्दी जाओ, फास्ट। ओके ओके, ठीक है। माँ? सर, यूट्यूब में अपलोड करने वाली यही है, लेकिन जिसने वीडियो बनाया वो पिता है। पहले तो उस वीडियो को डिलीट करो। ओके सर। राजा, राजा मैं आ गया हूं ना, फिक्र मत करो। बहुत डर लग रहा है मुझे। थैंक यू। नमस्ते भाई। थैंक यू रवि। सॉरी बेटा, मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाया इसके लिए ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल, अब ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। आप मेरे घर चले जाइए, वहीं आप सेफ रहेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम बताओ क्या करें। चलिए। अच्छा तुम अब चलो। हाँ ठीक है राजा, मैं ध्यान रखूंगा। राजा बहुत डर लग रहा है। डरा पापी हूं मैं, तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे। मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले। इधर क्यों आया है? तेरी तकलीफ जानकर तुझे एप्पल जूस और हॉर्लिक्स पिलाने नहीं आया मैं। दो दिन पहले बस स्टैंड पे एक अनजान को मारने की कोशिश कर रहा था, उसका और तेरा क्या संबंध है? उसने तुझे कितना माल दिया? बीच रोड में उसने मुझे मारा था, सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे, 30 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देखा। फिर भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। एनीवे मिस्टर भैरव, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी पूछा ना तूने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया? उसने मेरी जान की रक्षा की। अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं। चिका, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया? अच्छा ठीक है। जो पैसा है ना, उस पैसे में और थोड़ा पैसा डालकर। सुनिए मालिक, और मुझे बुलाया था? नहीं तो, और मैं क्या बोल रहा था? परिमला ने बोला, मालिक ने बुलाया। जा रे चुपचाप, मुझे कोई काम नहीं है क्या? दिमाग खराब मत कर। क्या हंस रही हो? मालिक ने बुलाया, ऐसा झूठ क्यों बोला? बुलाया है ही नहीं बोला, नहीं बुलाया ये बोला। नहीं बुलाया तो मुझे किस लिए बोला? बुलाया है तो किसको बोलूं? मुझे बोल। नहीं बुलाया तो किसको बोलूं? मुझे बोल। इसलिए बोला। तेरी तो ए, करी, अगर तेरे पास कुछ काम नहीं हो तो जाके वेंकट लक्ष्मी का घाघरा धो, परिमला की नाइटी धो, सुशीला की अबे चुनरी बोल रहा हूँ, ध्यान देने के बजाय कॉमेडी करेगा, कॉमेडी करेगा। ऐसे कोई मारता है क्या? क्या हालत कर दी इसकी? ये हाथी का बच्चा बेचारा कब से हो गया? ए, वैसे इसने गलती क्या की है? मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मालिक ने इसे बुलाया नहीं, वो आके मैंने इसको बोला, इसके लिए मुझे मार रहा है। मालिक बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। और मालिक नहीं बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। इसीलिए तो तुम्हें बोला। तुम भी बोलो। छोड़ छोड़ छोड़, हट। ए, कैसे आदमी हो तुम लोग? अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम लोग तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी? आईपीएल में आरसीबी कैसे जीतेगी? सलमान खान की शादी कैसे होगी बताओ मुझे? तुम लोगों के आपस के झगड़े की वजह से वो जो ट्रंप है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जापान में भूकंप आता रहता है। गोवा में अपने बिरादरी के लोग आधे नंगे घूमते कमीने। जाओ रे अखबार पढ़ो, देश की जानकारी लो और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ। अकल नहीं है लोगों को। मेरा करीमला को मारने से सलमान खान की शादी होने में और गोवा में आधे कपड़े पहन के नहाने में क्या संबंध है? चिका, अब भी बोलता हूँ, भगवान की कसम, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे संभाल के। कुछ नहीं, दायां पैर फिसल गया। अपशगुन है ये। इसमें ऐसा नहीं जी, एक दो मिनट बैठकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। अब भी इन सब बातों में विश्वास करते हो क्या? चाचा जी क्या बात है? आप शगुन के नाम पे लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं।
चाचा जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ फैक्ट्री आना चाहता हूँ। फैक्ट्री तुम्हारी ही है, वहाँ आने के लिए तुम मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसे कैसे मिसू आ रहे? जिन्हें मैंने भेजा है वो मामूली लोग नहीं है, वो लोग जंगल के शिकारी हैं। फिर उन लोगों से कैसे मिस हुआ? फोन काट दिया है? मेरे चाचा पे जिन लोगों ने हमला किया, पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसे ही उन लोगों ने मुंह खोला, तेरा मरना कंफर्म है। एक शरीफ बाप की औलाद होकर तो इतना उड़ रहा है। तो मेरा दादा तो बहुत घटिया था और मेरा बाप लोफर। ऐसों की पैदाइश हूं मैं। उन सबका हरामी पना भरा है मेरे अंदर। मैं इंडिया के किसी भी जेल में चला जाऊं, हाथ से बस एक फोन ही काफी है। तेरी फैमिली का अब से काउंटडाउन शुरू। तुमकुर में मेडिकल चलाने वाला तेरा मामा, हुबली के रजिस्टर ऑफिस में काम करने वाला तेरा चाचा, बेंगलोर में तेरी बहन की बेटी, सब तो उड़ा दूंगा। किसने दिया है एड्रेस? क्यों रे? चेन्नई में रहते हैं मेरे बड़े मामा, मैसूर में रहती है मेरी बुआ, बीजापुर में रहता है मेरा भतीजा, मुंबई में रहते हैं मेरे बड़े पापा, चिकमंगलूर में रहते हैं मेरे छोटे मामा। सबका एड्रेस लिख ले, अगर किसी को तूने हाथ भी लगाया ना तो तेरे ये हाथ काट के कहां डालूंगा तुझे अच्छे से पता है। कैसी हो जान? ए मोटे, 2 घंटे पहले बात हुई थी तब जैसी थी अब भी वैसी हूँ। मुझे लगा था तू एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। लेकिन तेरे कनेक्शन श्री सेलम जैसे गुंडे से है। अरे डार्लिंग, वो मेरा चड्डी दोस्त है, मेरा नाम लेते ही उसकी गिग्गी बन जाती है। तुम्हारा भी उससे इंट्रोडक्शन करवा ही देता हूँ। ए रघु। अरे श्री सलम भाई, आइए। कम कम कम, क्या बात है, दिन प्रतिदिन तूंद बढ़ती जा रही है। अच्छा ये बताओ, मेरा ऑफिस कैसा लगा? तुम्हारा ऑफिस तो एकदम मस्त है, तुम कैसे हो? अरे यार दिख नहीं रहा क्या, बॉडी एकदम गुरिल्ला जैसी हो गई है। खाते पीते खानदान का हूँ यार। तुम्हारे लिए शराब शबाब साथ में कबाब, मस्त बिरयानी, सब कुछ तैयार किया है।
अपनी दावत तो ऐसी है कि दुनिया देखकर परेशान हो जाए। अपने दोस्तों का ऐसा वेलकम करता हूँ कि बड़े भाई कौन है ये नया छोकरा? नया लड़का है। बड़े भाई सेल्फी कुल्फी वो क्या होता है? सेल्फी है बड़े भाई, गाना नहीं सुना है क्या? यहाँ से सीधा बटन दबाने में फोटो फेसबुक पे अपलोड हो जाता है, फ्रेंड्स लोग लाइक करते हैं तो बड़ा मजा आता है। सच कह रहा है? हाँ बड़े भाई। रघु। हाँ भाई। मेरे कुछ दोस्त यहाँ आने वाले हैं, एक छोटी सी मीटिंग है। बड़े भाई ये ऑफिस तुम्हारा ही है, जितना वक्त चाहिए ले लो, जो करना है करो, अब ठीक है? अच्छा बड़े भाई तुम्हारे सेलिब्रिटी फ्रेंड आ गए, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवा दो, सेल्फी ले लूंगा। मेरे काम होने तक इंतजार करो, फिर इन्हें तुम्हें ही सौंप कर जाऊंगा मैं। क्या बात है रामनारायण, तुम लोग जाओ, मुझे इससे बात करनी है। कल तक तुम मेरे साथ काम करता था, आज तो पैसों के लिए पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया। पैसा फेंका तो कानून ने भी अपना मुंह खोल दिया। बाथरूम कहाँ है? वहाँ उस कोने में। बाथरूम ले जा रहे हैं भाई, कोई और शौक तो नहीं पालते हैं? वो लोग बाथरूम में क्यों गए? अरे यार तू इशारे नहीं समझता क्या? एक उंगली दिखाना मतलब सीधा काम है, दो उंगली दिखाए मतलब दो नंबर ही काम है। आजा। माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई भाई। अरे रे 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 भूल गया, मैंने इंट्रोडक्शन तो करवाई नहीं। रघु भाई राम नारायण, राम नारायण रघु भाई। अब इसका क्या फायदा? फ्रेंडशिप करनी थी ना, सेल्फी लेकर फेसबुक पर डाल दो। लाश के साथ सेल्फी लूंगा क्या? जिंदा वही रहता है जो हमारे साथ वफादार है, जिसने भी इस लकीर को लांघने की कोशिश की उसी वक्त उसकी लाइफलाइन कट। अरे मेरे भाई ये डिलीट सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने लोगों को डिलीट करने के लिए नहीं खोला है। तुझे क्या हुआ? खाना खा ले। पहली बार देखा ना भाई, इसलिए घबरा गया होगा। ए, इसको हॉस्पिटल ले जा। ऐसा क्या देख लिया जो हॉस्पिटल पहुंच गया? मैंने मर्डर होते हुए देखा है ना कुंडा। श्री साइलम के यहाँ मर्डर ही देखने को मिलेगा, ना कि कोई आइटम नंबर। हेलो डॉक्टर। ये क्या है यार, आइटम का नाम लेते ही तेरी आइटम सामने आ गई। ये अब तक कहाँ थी? प्रॉब्लम क्या है? सपनों में दिल से दिल का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, लाइव देखा तो वाह 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 वाह, तीर दिल के आर पार हो गया। हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? खून होते हुए दिखा है। किसने मर्डर किया? श्री साइलम जी ने मर्डर किया है। श्री साइलम भाई। फ्लोट करने यहाँ आए हो? तुम पड़ जाओगी ये यकीन हो जाए तो कुछ भी करूँगा। नाम देख रहा हूँ। पार्वती, और कुछ पूछना है? पारो माय गुड डे, तुम केरला से यहाँ क्यों आई हो, किसी ने भगा दिया क्या? ये जानते हो क्या है, लिमिट से ज्यादा दिया तो जान चली जाएगी, बेहतर है तुम अपनी लिमिट पार मत करो। तुमने मेरा फोन चुराया फिर भी मैंने पुलिस को नहीं बताया। एंग्री बर्ड लगती है। प्रिया फोन देना जरा, एक बार मेरा फोन मुझे मिल जाए फिर इसे दिखाती हूँ। तुझे एक पुरानी बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो इसी हॉस्पिटल में। बात करना, कहाँ जा रहा है, सीधा चल। कब से कोई फोन लगा रहा है, अब तक इसमें 25 से 30 कॉल आ चुके हैं और ये मिला कर 31 बार। ओ भाभी जी, मैं कब से आप ही को ढूंढ रहा था, ये रिंगटोन चेंज कीजिए, बहुत इरिटेटिंग है। ए, ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला? आपको नहीं पता, एक्चुअली हुआ ये कि प्यारे चुप कर, फोन चोरी किया तूने और बचने के लिए मुझे यार बना रहा है, चोर कह रहा है तू मुझे सर। अबे सुनो, आजकल फोन चोरों की तादाद बढ़ गई है, बच के रहना। सुनो सिस्टर, मोबाइल के बदले इनकी किडनी आंखें ले लो, फायदे में रहोगी, रेट बताओ जरा। 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये इंजेक्शन घुसेड़ दिया तो ये अपने आप मर जाएगा डॉक्टर, ये धरती पे बोझ है, जिंदा रह के किसी काम नहीं आने वाला है और ना ही किसी का भला करने वाला है। इसकी शक्ल भी देखिए, बिल्कुल लफंगे जैसी। ए, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ, एक्चुअली ये फोन। फोन इसे दे दे, ऐसे वैसे बहाने बनाकर भागने की कोशिश मत करना। अरे बता क्या प्लान है तेरा, तू भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अरे वो शायद भागने की ही सोच रहा है। मैं समझ गया, तो ये ले। सुनो, एक चोर भाग रहा है, उसे पकड़ना होगा। अब तो यार भागने की कोशिश मत करना। वैसे मोटी माता, मुझ पर चोर का लेबल लग चुका है, तो मैं चोरी करूं क्या? तुम्हें जो करना है करो। करेक्ट आंसर। चोरी की यार मैंने। ए, तूने मुझे चोर क्यों बनाया?
वरना मेरी गर्लफ्रेंड कैसे मिलती है? तो मेरी वाट लगाएगा? मुझ पर चोर का लेबल लगने के बाद मैंने एक मोटी माता का हैंडबैग चोरी किया, वो मेरे बॉस की वाइफ निकली, मुझे पहचान लिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। डंडा ठोकना कोई बड़ा काम है क्या? क्या बोलना? नहीं कुछ नहीं। मैं ऐड देख के कोई अच्छी नौकरी ढूंढ, चल जा। नहीं जाऊंगा। कहां ना जा? आना नहीं जाऊंगा। फोन ला यार। झगड़ो मत यार, ये लो। थैंक्स यार सत्या। ओके ओके, मिल गई मेरी स्वीट हार्ट। बाय। यार ये फोन तूने कब उड़ाया? बचपन की बात है, जब मैं चड्डी में। फ्लैशबैक में जाएगा, फ्लैशबैक में जाएगा तू। ओ मेरी। यहाँ क्या कर रहे हो? पारो चाहिए। पारो के ब्रदर हो? तेरी बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड हो? पारो का बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड? क्या यार तू भी, कल तक तो कह रही थी कि मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। प्यार करते नहीं हो जाता है। कुछ भी क्या यार, शट अप। वो यहाँ तक आ गया तो मेरे बॉयफ्रेंड कब से हो गए? मैं एक बॉय हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो इसलिए बॉयफ्रेंड बोला। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें जो चाहिए था वो देने के लिए। तुम्हें कहाँ से मिला? वो चोर चाय पानी के पैसों के लिए चोर बाजार में ये फोन बेच रहा था, उससे छीन कर दुकान के नीचे बजा के ये फोन ले आया। थैंक्स। थैंक्स की जरूरत नहीं है। लगता नहीं तुम सिर्फ इस काम से आए हो। मोबाइल देने के बहाने तुम्हें देख भी लूं इसलिए यहाँ आया। डिनर पे चले? हंसी मतलब हंसी। चाइनीज और यहाँ? तो फिर तुम्हें चाइना ले जाता क्या? सच में तुम्हें गुंडे हो क्या? वो मेरा प्रोफेशन नहीं है जानेमन, मेरी जरूरत है। करोड़ों रुपए कमाकर अपना बिजनेस डालने के लिए फिलहाल मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, प्यार से मांगो तो गुंडे बहुत मारते हैं, इसलिए ये सब करना पड़ता है। अब ये बताओ, ये ब्रांडेड फोन है लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं। अरे कम से कम सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज चाहिए, वो नहीं तो कम से कम रात को गुड नाइट का मैसेज तो हो। अपनी जवानी को तुम बेकार में इस तरह वेस्ट क्यों कर रही हो? तुमने मेरा फोन चेक किया? तुम दिखने में तो डिसेंट लगते हो पर अंदर से बदमाश हो। क्यों तुम नहीं हो क्या? हार्ड ड्रिंक पीकर डॉक्टर का जॉब करती हो। वैसे कौन सी वाली पसंद है? सच कहूं तो मुझे पीना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी पोस्ट के हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं मिलता है। मेरे पापा के हाथ में सिर्फ महीने के एंड में 20,000 ही रख पाती हूँ। उनका हाथ बटाने के लिए नर्स का जॉब भी कर रही हूँ। मुझे यहाँ का रहन सहन कुछ भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने दुबई जाकर सेटल होने का फैसला किया है। मनपसंद जॉब, 2,00,000 सैलरी और लग्जरी लाइफ, यही चाहती हूँ। तुम्हें मैं एक और बात बताऊँ, मैं दुबई जाने तक किसी से प्यार नहीं करूंगी। वहाँ जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से शादी करके सेटल हो जाऊंगी। ये बताओ, करोड़ रुपया कमाकर तुम क्या करोगे? मैं कमाने के बाद मैं करोड़पति हूँ ये नोटों का बंडल सामने रखकर यहीं पर किसी सीधी साधी लड़की का हाथ पकड़कर उसके साथ घर बसाकर आराम से लग्जरियस लाइफ जीऊंगा। लगता है तुम्हारी लव लाइफ पूरी तरह डामाडोल है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अगर मुझे कोई फिक्र होती तो ये सारे बर्तन उल्टा पुल्टा करके हाय मर गया कहकर नाचता रहता। एक बात गांठ बांध लो, दोस्ती हो या यारी हो, हर बात की हद होनी चाहिए। हर रिलेशन की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अच्छा, रिलेशन है, लिमिटेशन है, हर बात के पीछे ओवर रिएक्शन। लगता है मेरा इमोशन इसे समझ में नहीं आया। सच में तुम एक गुंडे हो। सुनो मैडम, हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन जरूर होता है। तुम बहुत लकी हो, बिन मांगे तुम्हें 3 बार किस मिल गई। वैसे आज का दिन याद रखना, अभी जा रही हो लेकिन एक दिन वापस लौट कर जरूर आओगी। हेलो गनी भाई, गुड मॉर्निंग। तू कहाँ गायब था रे कृष्णा? इसे सब लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब इसे फर्स्ट टाइम देखा था तभी समझ गया था बहुत चालू चीज है। सुन सीनू। जी भाई। कृष्णा का पता चला? भाई मैं आ गया भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीनू। जी भाई। रसूल मैकेनिक के वर्कशॉप पे जाओ, सिर्फ धमकी देनी, माल देता है तो कैश लेकर आना और कुछ नहीं, जाओ। ठीक है भाई। ये जरूर मालिक ने क्या बोला? तुम्हें एक काम दिया है, मुझे एक काम दिया है, तुम्हारा काम पूरा होने के बाद मेरा काम करने के लिए बोला। सच कह रहा है? चलो भाई से पूछ लेते हैं। भरोसा है? तू थोड़े झूठ बोलेगा। चल आओ। ए डकन, पीछे बैठ जा। मैं भी चलूं क्या? बैठ। चल तेरे साथ ही बैठता हूँ, चला जा। शाना मत बन, जल्दी बता माल कहाँ है। नहीं मालूम। हम लोग श्री सैलम के आदमी है। 2 दिनों से सूरत नहीं देखी तुम्हारी, पता है मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? फोन इसलिए उठाया ताकि तुम्हें फिर से समझा सकूं। मैं दुबई जाने तक किसी से प्यार नहीं करूंगी, बताया था ना तुम्हें। मेरी बात सुनते तुम अपना प्लान बदल दोगी? मेरा प्लान बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं प्यार करूंगी ही नहीं। साइलम के आदमी हो तो क्या हुआ, माल यहाँ नहीं है, जा बोल दो। चुप, ये कोई जगह है गर्लफ्रेंड से बात करने की? जाने मन, 2 मिनट जरा होल्ड करना। ओके, इज्जत से बता दे माल कहाँ है, मैं तुझे 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। इतनी बार कहा, हमें कुछ नहीं मालूम है। वहाँ है, वहाँ रखा है माल। भाई माल मिल गया है। बोलो जाने मन, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? एक पेशेंट को मैं स्टिचेस लगा रही हूं। एक और भेज रहा हूं तुम्हारे पास। मस्त बिजनेस है, मैं ठोकता रहूंगा, तुम टाके लगाती रहोगी। क्या कहती हो, जल्दी बोलो, इस काम में मेरा कमीशन कितना रहेगा? चलो भाई से बोल दे, अफजल का मैटर सॉल्व हो गया। ठीक है, बताओ कहां मिलते हैं? अच्छा, वही हमेशा के स्पॉट पर।
भाई अपने साथ मुझे हमेशा आगे बिठाते हैं। अपना अगला शिकार करीम भाई। तुम मेरा एक काम करोगे? क्या काम है बोलो। पासपोर्ट प्रॉब्लम है, केरला के एड्रेस पर यहाँ का पासपोर्ट नहीं बनेगा। तुम जरा अपना इन्फ्लुएंस लगाओ ना। तुमने हुक्म किया, काम हो जाएगा। अरे रुक 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 रुक, भाई ने यही कर बोला था, पीछे ले रहे। ले 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 ले, फिर से होल्ड करना, पांच मिनट में आता हूँ। या बाबू रावड़ी कौन है बे? आजा। भाइयों बहनों और मामुओं, पैसा वसूल करने वाले कृष्णा का तुम्हें फिर से नमस्कार। आखिरी मौका देता हूँ, पैसा चुका दीजिए। किसमें इतनी हिम्मत है यहाँ से पैसा ले? एक बार ये यहाँ से बचकर निकल गया था, लेकिन इस बार नहीं जा पाएगा। चारों तरफ से घेर लो। रिंगा रिंगा रोजेज, सबके कार्टून नोजेज ऑल फेल डाउन। पहले कौन धूल चाटेगा बे? माँ! अरे तुम तो हमारे घर के मेहमान हो, चिकन बिरयानी खाओगे बेटा। वाह 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 वाह, बहुत बड़े खिलाड़ी, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ए, चाकू बुढ़िया के गर्दन पे और तू चिल्ला रहा है, पैसा निकाल। अरे जल्दी दे ना। भाई 500 रुपए कम है, छोड़। कोई बात नहीं, ऑल्ट मार दिया। अबे रुक क्यों गए? इसमें 500 कम है, अब जो है ले जा। कैसे ले जाऊंगा, 500 का वैल्यू क्या है जानता है ना तू? मैं जानता हूँ भाई। अरे दोस्त तू अभी तक यहीं पर है? हनीमून मनाने थोड़ी आया था, जो अपनी मर्जी से निकल जाऊंगा। मेरे भाई आपने 10 लाख वसूल लिए और मैं बिना कुछ लिए अभी तक यहाँ फंसा हूँ, मेरा तो बैड लक ही खराब है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई बेटा? अपनी बकवास बंद कर, तेरी जैसी औरत की वजह से मेरे दिल में सीनियर सिटीजन की इज्जत खत्म हो गई। बेटा कह रही है बुढ़िया। जो 500 कम पड़ रहे हैं ना बेटा, वो मैं देती हूँ। ये हो गया 500। दोस्त भाई, भाई काम बन गया, थैंक यू। औकात के हिसाब से बराबर है। मर गए, आप फिर फंस गए भाई। अबे गधे, तुझे शायद पता नहीं है कि आजकल मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ और कौन है मेरा बॉस, श्री सैलम। ये कृष्णा उनका राइट हैंड है। अब तक जो कुछ भी हुआ, अगर वो तुम्हें कम लग रहा है तो बाहर मेरी गैंग खड़ी है। ए लिंगप्पा गौड़ा, छोटे से भीड़ या बड़े से भीड़, लेकिन मुझ जैसे छिछोरे से कभी मत भीड़। हर किसी को मैं एक ही बार समझाता हूँ, दोबारा मौका नहीं देता। ए दोस्त, लेट्स गो। या भाई, मुझे तुम पर बहुत फक्र है भाई। यही तो मर्दानगी है। थैंक यू भाई, अब मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त। अरे कितनी देर लगा दी भाई, खड़े खड़े पैर दर्द कर रहे हैं। समझता हूँ भाई, तुम लोगों को पार्टी करने के लिए पार्टी ने पैसा दिया। भाई ने तुझे काम दिया, पोजीशन दी, तो तू क्या हवा में उड़ेगा? ज्यादा होशियारी करेगा तो किसी दिन पासा पलट भी सकता है, समझ गया? मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा तू? क्या तेरे बाप को भी मारूंगा? ये
किडनैपिंग रंगदारी से पूरे शहर को दहशत में रखने वाले एक खतरनाक माफिया कैजर को मारकर इंस्पेक्टर डिसिल्वा ने ये दिखा दिया कि पुलिस पार्क क्या है। पुलिस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल लोगों के हाथों की कठपुतली है। सिक्योरिटी के नाम पर रिकवरी का एक नया धंधा शुरू हो चुका है। सर, यहाँ पर मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, ये तो तुम जानते ही हो। उससे 30 करोड़ वसूलने से पहले ही तुमने उसका एनकाउंटर कर दिया, क्यों? उसकी दहशत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी सर, मैंने तो बस एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया है। बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट कौन? श्री सैलम? वो नहीं मिलेगा सर, और ये बात आपको भी पता है, वो अपने काम का कोई सबूत नहीं छोड़ता। मनी ट्रांजैक्शन भी वो बहुत सीक्रेट तरीके से करता है। मुझे जहां तक पता है उसके पीछे जगदीश राव जैसे बड़ी हस्ती का हाथ है। कमिश्नर से बड़ी किसकी पोस्ट है, वक्त आने पर सबको संभाल लेते हैं। खैर, मेरी बेटी अमेरिका में एक हॉस्पिटल बना रही है, 100 करोड़ भेजने का मैंने प्रॉमिस किया उससे। अपनी बेटी से किया हुआ प्रॉमिस मुझे पूरा करना है, समझ गए ना? 20 डेज का टाइम दीजिएगा सर। 20 डेज टाइम? परसों मैंने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी, यहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो सेटलमेंट करना चाहते हैं, हम उनसे करोड़ों ले सकते हैं। तुम 10th में फर्स्ट आए थे, IPS में गोल्ड मेडलिस्ट हो, सुना रनिंग में भी बहुत तेज हो, इसके बावजूद मेरे 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए तुम्हें 20 दिन चाहिए? तुम जैसे स्लो काम करने वाले पुलिस ऑफिसर पर लानत है। थू! मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में, वो काम चाहे तुम करो या फिर कोई चपरासी, मैंने तुम्हें टारगेट दे दी है, कैसे करोगे तुम जानो। जाओ। ए, सैल्यूट करना भूल गए? सॉरी सर। सुना तूने? समझा कि नहीं? समझ गया सर। क्या समझा तूने? कैसर को तैयार भी उन्हीं लोगों ने किया और मारा भी, इसीलिए कहता हूं तू जल्दी नहीं समझता। तूने कहा था डिसिल्वा के साथ तेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो डिसिल्वा कभी तेरे काम आएगा इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि उसे सिर्फ फायदे से मतलब है। हाँ, अब समझ में आया। कोई भी इंसान जब पावर में रहता है तो अपने औकात दिखाता ही दिखाता है। जैसे मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, वैसे ही उसके पीछे कमिश्नर खड़ा है। मुझे विश्वास है तू पूरी बात समझ गया होगा। नेक्स्ट मंथ में बहुत बड़ी डील होने वाली है, सौदा 2000 करोड़ का और प्रॉफिट 200 करोड़ का, और इस काम के लिए मुझे एक बकरे की जरूरत है। है तो ठीक, नहीं तो तैयार कर ले। एक बकरा है मेरे पास, नाम है कृष्णा। कृष्णा? डील कितनी बड़ी है ये तुझे पता है ना? वो जानता था कि मैं क्राइम की दुनिया का किंग हूँ, फिर भी उसने बहुत करारा जवाब दिया है, आप समझ गए ना? छोटी सी चींटी भी कभी कभी हाथी को नाचना चाहती है, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। 2-4 दिन में डील होने वाली है, तू अपना काम शुरू कर दे। करता हूं सर। और सुन। जी सर। काम खत्म होने तक गैंग को स्लीप मोड में रहने के लिए कहना। समझा नहीं? स्लीप मोड भी समझ में नहीं आया? कहीं आना जाना नहीं, किसी भी इंसान से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हर काम संभल कर करना है। देर से ट्यूबलाइट चली, अब जा। थैंक यू सर, नमस्ते। बैठ जाओ। ए चक्री, पेपर दे इसे। ये लो पेपर, साइन करो। कुछ खास नहीं है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, गारंटर मैं तुम्हें बना रहा हूं इसलिए। हाँ ठीक है भाई। भाई यहाँ तो गोवा लिखा हुआ है। गोवा में भी हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, साइन कर दो। हाँ ठीक है भाई। फैक्स आया क्या? या आई गॉट इट। टाइप हो गया? फोटो? फोटो किस लिए? फोटो किस लिए? साइन करने को बोला वहां तक ठीक है, लेकिन फोटो वोटो मैं नहीं दे सकता। लेकिन हुआ क्या भाई? अब क्या है, मैं फोटो दूंगा तो वो गोवा जाएगा, फिर विदेश जाएगा, उसके बाद सभी लोग देखेंगे। क्या भाई, थोड़ा फेस वॉश तो करके आ जाऊं प्लीज भाई।
भाई साहब वॉशरूम कहाँ है? उधर है। ओ फेस वॉश ग्लो ग्लो अब लीजिए। ए चक्री फोटो ले। रेडी? ओके ले लो। थंब इंप्रेशन। अरे कोई शक है क्या, अब इसकी क्या जरूरत है? ए कृष्णा भाई आपकी बात करोड़ों की, करोड़ों के लिए सब कुछ, मतलब आपके लिए जान भी हाजिर है। फेस डिटेक्शन नाउ यू कैन गो। बाहर बैठो। ठीक है भाई। ये क्या है भाई, सीनू भाई को पछाड़ कर तुम आगे निकलते जा रहे हो, सीनियर की थोड़ी तो इज्जत करो। शहर के नामी गिरामी गुंडों का आजकल एनकाउंटर हो रहा है ऐसा भाई ने बोला है, न्यूज चैनल में भी यही हेडलाइन है। ए सीनू भाई कुछ दिनों के लिए सारे गैंग को स्लीप मोड में रखो। ठीक है भाई। जानते हो स्लीप मोड क्या होता है? जानता हूँ। क्या है? किसी के हाथ में गन नहीं, कोई कुछ भी करे उस पर रिएक्ट नहीं करना है। अच्छी बात है, भूला नहीं। जाओ मुझसे आगे जाने की कोशिश करने वाला ऊपर चला जाता है। हे मेरी पारो डार्लिंग, बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। हेलो, पासपोर्ट का काम हुआ? पहले लाइन में ही सवाल पूछ लिया। रोमांटिक मोड में इंसान हमेशा नहीं रह सकता। पारो माय गुड डे, काम की बात भी मैं रोमांटिक स्टाइल में ही करता हूँ। परमानेंट एड्रेस मैंने अपने घर का डाल दिया, काम हो जाएगा। कब तक आएगा बताओ? वो तो आ ही जाएगा, आज हम जरा मिल सकते हैं क्या? दो दिनों से तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इसी मूड में रहते हो। समझदार है, समझदार है। मैं हमेशा रोमांटिक मूड में ही रहता हूँ। अब बस करो, तुम्हें बात करने का मौका देते ही तुम रोमांटिक हो जाते हो, मुझे ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। सुनो डार्लिंग, अभी हमने आर्गुमेंट्स बहुत कर लिए, अब काम की बात डिस्कस करनी है, जरा सा कोऑपरेट करो। ओके ओके। फोन पे लगी रहो। आज लोग उससे डरते हैं तो उसकी वजह मैं हूँ। जब से वो कृष्णा आया है तब से लोगों ने मुझे साइडलाइन कर दिया है। सेनो, मैं हूँ सेनो। आज के बाद से सेटलमेंट सिर्फ मेरे नाम से होना चाहिए। श्रीशैलम को पता चलेगा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। गैंग के स्लीप मोड में रहने तक हम जो कुछ भी करें उसे पता नहीं चलेगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे मात देता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। टना 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 टना। हर तरफ खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है। फूलों का गुलदस्ता ही जब मेरे घर पे चल के आया है तो मेरा कमरा ऑटोमेटिक खुशबूदार हो जाएगा। हसी हाँ। आज भी जबरदस्ती किस करोगे क्या? हाँ, तुम्हारे दिल को चोट पहुंची क्या? तुम्हें बहुत बुरा लगा था क्या? उस दिन के किससे तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हुई तो फिर जबरदस्ती कहाँ हुई? मतलब तुम्हारी आंखों में मुझे अजीब सी कशिश नजर आई। मेरी आंखों को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेती हो। कैसी बारिश है, पूरी तरह से भीग गए। अचानक से आ गई। फिक्र मत करो। अरे आप लोग दरवाजा नॉक नहीं कर सकते क्या? नॉक कर रहे हैं, पिछले आधे घंटे से नॉक कर रहे हैं। डिटेल्स बताओ मैडम जी। डिटेल ना पूछने का क्या लोगे बताओ। आप चाहते हैं कोई डिस्टर्ब ना करे तो दो हरी पत्ती दे दो। अभी बेफिक्र रहो, दरवाजा बंद कर लो। क्यों? पासपोर्ट देने के लिए पोस्टमैन आएगा। पारो बाय। जो स्टार्ट किया उसे कंप्लीट तो करके जाओ ना। दुबई का ड्रीम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं करना चाहती। hey! मेरे साथ इतनी बड़ी नमक खराबी, उसने खुद अपनी मौत को दावत दी है। उस सीनू को इतना ऊंचा नाम मैंने दिया और उसने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। उसकी नमक हरामी सब इसमें है। सोला नमक हराम। भाई भाई अब टेंशन मत लो भाई। टेंशन लेने से क्या होगा? कौन है लो? मालिक। सीनू को बाहर से कस्टमर दिलाने वाला चमचा है ये। माफ कर दो भाई। एडवांस के साथ इन कुत्तों को यहाँ घसीट के लाया हूँ। तुम्हारी तो भाई रुको। भाई नहीं भाई, मेरा माल खरीदेगा तू? मेरा माल जानता नहीं मैं कौन हूँ? अभी जाओ, मेरे साथ नमक हरामी करने वाला वो सीनू मुझे चाहिए। ए, तुम लोगों को उसे मेरे पास जिंदा पकड़ कर लाना है, मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है बोल?
मेरे कस्टमर को माल बेचकर तू कहां गायब हो गया? मैं कहीं नहीं गया था। इतना बड़ा धोखा करने की तुझमें हिम्मत कहां से आई? अपनी हिम्मत है भाई। अबे गन दिखा के डरा रहा है क्या? चल गन नीचे कर, नीचे कर गन। तुझे बोल रहा हूं वरना मार डालूंगा तुझे। गन नीचे कर रहा हूं ना। अबे गन नीचे कर, बैठ जाओ मैं बात कर रहा हूं। नीचे कर, एक झटके में इस गन की गोली तेरी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। बुलेट के खेल में तू ही नहीं, मैं भी माहिर हो चुका हूं। गन नीचे कर, बताओ तुझे। चले उसे समझाओ, बात कर रहा हूं ना, बैठ जाओ। कोई गोली नहीं चलेगा। जी सर। सारे कागजात गोवा भिजवा दिए? भिजवा दिया सर। कृष्णा पर तूने नजर रखी है? नजर रखी है सर। गैंग स्लिप मूड पे है ना? बिल्कुल है सर। जरा चौकन्ना रहे। और कब तक पहुंचेगा सर? कुछ काम है, कब तक पहुंचेगा तू? तू मुझे जाने देगा? तो उस पे डिपेंड करता है। आधे घंटे में पहुंच रहा हूं सर। ठीक है, जल्दी आ। तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए। हर महीने तो लेता है। हमारे दम पे करोड़ों कमाते हो लेकिन हमें क्या देते हो तुम? 50,000? अनिल अंबानी लाखों करोड़ कमाता है, अपने वर्कर को बराबर का हिस्सा देता है क्या? औकात बनानी पड़ती है। तेरी है? हाँ? तेरी है क्या? मैंने आज तक कितनों को मारा, फर्क नहीं पड़ा। तुझे भी मारूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अबे भाई को धमकी देगा तो तुझे मार डालूंगा। भाई आंखें बंद करो, अभी इसको मार देता हूं मैं। ए कृष्णा पागलपन बंद कर, अपनी गन नीचे कर। देख सिनू, तुझे पैसा चाहिए ना? कितना चाहिए बोल, मैं देने को तैयार हूँ। अरे क्या सेटलमेंट करे हो भाई, मैं इसे अभी देखता हूँ। आप सिर्फ हाँ बोलो भाई, अभी इसकी लाश गिरा दूंगा आपके सामने। चालू हो गया तेरा, चुप। देख सिनू, 1 करोड़, 2 करोड़, फाइनल 3 करोड़। ए गणेश पैसा लेकर आ। हाँ भाई। ए सिनू, ये लो भाई। ए ए ए सिनू, इधर देख, इधर देख। मेरे माल को हाथ मत लगाना, पैसा लेकर जा। हमेशा से मुझे तेरी नीयत पर शक था लेकिन कभी बोला नहीं। अब जा। सब लोग अपने गन इस बैग में डालो, जल्दी करो। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी रखो। रे, जल्दी चलो, रख दो। चलो रखो, रखो। ए कृष्णा रखो, जल्दी चलो, चलो जल्दी रखो। जिसने तुझे गन चलाना सिखाया है उसके लिए तू सिगरेट नहीं जलाएगा? चलाएगा या नहीं? आज तक यही काम करते आया हूं लेकिन अब समय बदल गया है भाई। बॉस है बे, इस लाइन में जिसके हाथ में गन है वही बॉस है भाई। पे तो गन, बिना गन के भी बॉस मैं ही रहूंगा। जीने का कोई हक नहीं है। खत्म कर दे इसे। भूल गया कि भाई ने क्या कहा है? स्लीप मोड, किसी को मार नहीं सकते। सॉरी मैं भूल गया था। हम कहीं पे किसी की लाश नहीं गिरा सकते हैं। स्लीप मोड। करेक्ट। इसे गांव रवाना करके रास्ते में उड़ा के पुलिस को बता देंगे। करेक्ट। एक काम करता हूं भाई, इसे मैं ले जाता हूं। करेक्ट। ए सिनू, तू मेरे साथ डील कर या मैं तेरे साथ डील करूं, प्रॉफिट मेरा ही है। इट्स फाइनल। मेरा टारगेट है 1 करोड़ का। वो वाला 5, दूसरा वाला 5, इधर का 5, लिंगप्पा का 5, कुल मिलाकर हुआ 20 लाख रुपया। अभी मुझे 80 लाख रुपया और कमाने का है। मैं सबका एक फोटो लूं तो मैं क्या पोज दूं? लिस्ट में अभी भी लंबा सफर है। बाल ढीला करो, मैं जीत गया, चलो निकलो वहाँ से। यहाँ रखकर तू जीत गया? जरा सब्र रखेगा? रख लूंगा। तू उसे ही रख। तू मुझे 500 रुपए नहीं मिले, मुझे और 80 लाख कमाना है। सलम को जाकर बता, वो दिल खोल कर देगा। गुड आइडिया। रुक जा, मैं जाके आया। बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब मैं कृष्णा के साथ। फ्लैशबैक बंद कर, फ्लैशबैक बंद कर। अरे बाबूजी, यहाँ से ISD बैंक से लोन लिया हुआ नारायण कौन है? मैं हूँ बेटा, धंधा ठीक से नहीं चला पाया इसलिए दुकान को भाड़े पे दे दिया। थोड़ी सी और मोहलत दे दो बेटा। अरे बाबूजी, आपका बचा हुआ लोन माफ कर दिया, यही कहने के लिए मैं आया था। अब खुश हो ना? शुक्रिया बेटा। हाँ बोलो जानेमन। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शादी से पहले माँ बनने वाली हो क्या? ए, मेरे मम्मी पापा आए हैं। अब वो किस लिए आए हैं? जाने का प्लान कैंसिल किया इसलिए बहुत खुश हैं। अच्छा, तुम्हारे बारे में भी बताया इसलिए तुमसे मिलने चले आए। आकर उन्हें इम्प्रेस करो वरना मुझे दुबई में ही किसी डॉक्टर के साथ सेटल होना पड़ेगा। 10 मिनट में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा और उनको इम्प्रेस भी करके बताऊंगा। आ रहा हूँ। तो बेटा लड़के ने क्या कहा?
वो 10 मिनट में आ रहा है पापा, तब तक कॉफी हो जाए, उसी के साथ पियेंगे बेटा। ठीक है। ये बताओ, तुम तो अपना जॉब दुबई में कंटिन्यू करने वाली हो, लेकिन वो क्या करता है? ए जी, इसने कहा ना कि वो लोन रिकवरी का काम करता है। हाँ। मेरे 10 करोड़ याद है या भूल गया? उसी के इंतजाम में लगा हूं सर। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन करना डिसिप्लिन। ओके सर। गलती करने वाला है यहाँ जिंदा नहीं बचता, मैंने तुझे पहले ही बोला था, फिर भी तूने गलती की, मेरे मुंह का निवाला छीनने की गलती की तूने, जिसकी सजा अब तुझे क्या मिलेगी तू सोच भी नहीं सकता। दो सौ करोड़ बर्बाद कर दिया, इतना सादा तब से धंधे में हूँ। सीनू, मैं हूँ सीनू। मुझे एक फोन करने दो ना भाई, मौत के मुंह में खड़ा है फिर भी गर्लफ्रेंड याद आ रही है। हा? श्री सैलम भाई से बात करके इस मैटर को सॉल्व कर देता हूँ। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? बात कर, बात कर, बात कर, बात कर भाई से, बात कर, बात कर। डैडी, लंच उसे आ जाने दो बेटा। अरे वो चाहे कोई भी है, गवर्नमेंट तो मेरे साथ है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, आओ आओ डिसिल्वा। कैसे हो? बीस तारीख की रात को जॉय जौहरी के यहाँ पे एक डाका पड़ा था। 25 करोड़ से ज्यादा के गहनों की चोरी हुई थी वहां से। चोरी किसने की? वो तुम्हारे ही लोग थे। हिस्सा चाहिए तुम्हें? वो आदमी चाहिए, बीच बाजार एनकाउंटर करके मुझे वो गहने लौटाने। तारीख क्या थी? 20 तारीख। तुम इसे ले जाओ। इसका नाम कृष्णा, मेरा मोहरा है ये, जहां चाहिए वहां मिलेगा, जिंदा दूंगा, लाश लौटाना। भाई सीनू ने मुझे किडनैप करके रखा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है, आप आके सेटलमेंट कर दो ना तो ये मुझे छोड़ देगा। प्लीज भाई मेरी जान बचा लो, भाई प्लीज भाई मुझे बचा लो, प्लीज भाई भाई भाई। तेरे मोहरे को अब मैं इस्तेमाल करूंगा। तू क्या समझता है वो यहां आकर तुझे बचा कर ले जाएगा? गलत फहमी है तुझे। गया तू, अब तेरा खेल खात्म। खेल खत्म।
खेल खत्म हो गया कृष्णा। अब हम निकलते हैं बेटा। कुछ देर और वेट करें। वो 11 बजे आने वाला था, शाम के 5 बज गए बेटा। देखो उसने 10 मिनट का वादा किया और अब तक नहीं आया। इससे पता चलता है कि वो तुम्हारे वक्त और प्यार की कितनी कद्र करता है। बचपन से लेकर आज तक तुम अपनी जिद पूरी करती आई हो, मनपसंद स्कूल, कॉलेज, जॉब और अब बॉयफ्रेंड। ये फैसला इतनी आसानी से मत लो बेटी। याद रखो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, थोड़ा सोच समझ कर फैसला लो। तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुम्हारे माँ बाप हैं। जो कहेंगे तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगे, तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। अपना ख्याल रखना बेटी। ट्रिगर दबाते ही एक सेकंड में तेरी सांस रुक जाएगी। बाहर निकल गया तो तुझे कुत्ते की तरह नोच कर मार डालेंगे। तेरा मरना तो कंफर्म है। अब क्या करेगा तू? आखिर पूरा मैटर क्या है जानना चाहता हूँ, तो फोन कट कर रहा है। क्या हुआ? फोन पर फोन किए जा रहा है, कोई परेशानी है क्या? एक घंटे में मेरे फॉरेन बिजनेस पार्टनर यहाँ पहुँच रहे हैं फाइनल मीटिंग के लिए। तुम्हारे उस कृष्णा के फोटो और सारे डिटेल्स मैच करेंगे, साथ लेकर चलना है, बुलाओ उसे। सीनू उस लड़के को लेकर फरार हो गया सर। क्या कहा? तो जानता है ना कि आज हम करोड़ों का डील करने वाले थे और तू इतनी आसानी से कह रहा है कि वो फरार हो गया? किसी काम का नहीं है तू। सीनू उसे कहां लेकर गया है? मालूम नहीं सर, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। गैंग पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स। तू जैसे गधे पता नहीं क्यों भाईगिरी करते हैं। मैंने तुझे पहले ही समझा दिया था ना कि स्लीप मूड में रख अपनी गैंग को, फिर भी कहता है गैंग पॉलिटिक्स। अरे ये डील हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है तुझे पता नहीं था? पता तो था सर, लेकिन फिर गलती कैसे हुई? कैसे हुई गलती? वो गया तो तू भी जाएगा। याद रख, मैं तुझे 1 घंटे की मोहलत देता हूँ। कृष्णा को मेरे सामने लाकर खड़ा नहीं किया तो 2000 करोड़ का डील कैंसिल हो जाएगा और मैं तेरी जान ले लूंगा। तू सीनू का पैर पकड़ेगा या नाक रगड़ेगा ये मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी कर, 1 घंटे के अंदर मुझे यहाँ कृष्णा चाहिए। सर झुकाकर क्या सोच रहा है, चल जा। ये बता तू चाहता क्या है? ए इधर आ। ए, ये मेरा लड़का है, छोड़ दे इसे। तेरा पालतू तुझे प्यारा है, मुझे नहीं। देख सिनू, अगर इसे कुछ करेगा मतलब मुझे करेगा, रुक जा। ये क्या कर रहा है? सोचता हूँ उसके जगह तुझे गोली मार दूँ, सारा लफड़ा ही खत्म हो जाए। मर्डर किसी बात का हल नहीं, शुरुआत है। बातों से भी कुछ हल नहीं होता। सही ढंग से बातचीत हो तो हल क्यों नहीं होता? रुक जा। तू क्यों खड़ा हो गया, बैठ जा। रुक जा। सीनू, मुझे इसे जिंदा छोड़ने की कीमत चाहिए। कितना चाहिए? 2 करोड़ 3 करोड़? ठीक है, रुक जा। जितना चाहिए बोल, मिल जाएगा। गोवा चाहिए। गोवा? ठीक है, रख ले गोवा, दे दिया तुझे गोवा। रुक जा, कुछ मत कर, गोवा तेरा है। सुन कृष्णा, तुझे कुछ नहीं होगा, गोली पैर में लगी है, टेंशन मत ले, वो निकल जाएगी। शांत हो जा। इससे पहले कि दूसरी बुलेट इसे मौत के दिन सुला दे, मुझे गोवा हैंड ओवर कर दे। गोवा हैंड ओवर कर। बोलो श्री सलम। डिसूजा, आज से
मरने तक गोवा सीनू के नाम रहेगा। एक बार उसको दे दिया तो गोवा लाइफ लॉन्ग सीनू का होगा। और एक बार सोच लो। मैंने कह दिया ना, ये फाइनल डिसीजन है। फाइनल फाइनल फाइनल। हाँ ओके। ए, आज के दिन से गोवा का सारा बिजनेस सीनू का होगा। खुश दिल खुश। कृष्णा कुछ नहीं होगा, चल मेरे साथ। फर्स्ट टाइम तो अपने अलावा किसी और की फिक्र कर रहा है। कोई तगड़ा झोल है क्या है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारेंगे तभी वो अंडा देगी। आज मैंने इसकी जिंदगी बचाई है, इसका फायदा मुझे कभी ना कभी जरूर मिलेगा। थैंक्स भाई, आपने या तो ये मुझे मार देता। भाई मेरी वजह से गोवा आपके हाथ से चला गया। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है भाई, मैं सब छोड़कर दुबई चला जाता हूँ। छोड़कर जाने की बात की तो जान ले लूंगा। 10 दिन और इंतजार कर, तुझे जहाँ जाना है वहां मैं सेफली भेजूंगा। तब तक तू आराम के सिवा मेरा कोई काम नहीं करेगा। चला जा, गाड़ी में बैठ। हाय गाइस। हाय कृष्णा, हाउ डू यू डू? हाय। हेलो, कम। सिग्नेचर, पासपोर्ट स्कैन। ओ या। मैंने पासपोर्ट का काम दिया था, हुआ क्या? आने वाले 15 दिनों में चेक हो जाएगा। कैश, कार्ड। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ भाई, लोन लेने की बजाय हम ही इन्हें पैसा दे रहे हैं, बात मेरे को समझ में नहीं आई। रिश्वत। ओहो, बाहर बैठ। ओके भाई। सारा काम हो गया क्या? Our job is done. Yes, your job is done. Yeah. काम पूरा होने के बाद रास्ते के कांटे को इसी तरह हटाना चाहिए, तभी हमें कभी कोई छू नहीं पाएगा। पूरा पैसा अंदर आ गया है, कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। अब आगे से जब भी तुझे मुझसे बात करनी हो तब मेरे प्राइवेट नंबर पर ही कॉल करना। पुलिस वाले फोन टैप करेंगे या वो हमें पकड़ लेंगे इसलिए नहीं सर, बड़े भाइयों से बचने के लिए। मैं समझ गया सर। उस बकरे का इस पर जरा ज्यादा ख्याल रखना। जब तक आपका ये काम पूरा नहीं हो जाता, उस बकरे को सही सलामत रखने की गारंटी मेरी। पारो, क्या हुआ तुझे? कल मुस्कुराहट मिली थी और आज आंसू मिले हैं। बाद में मिलती हूँ। पारो रुको, मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? मुझ पे क्या गुजरी पता है? उस सीनू ने मुझे गोली मार के जख्मी कर दिया था। मेरी गलती नहीं है, समझने की कोशिश करो। फिर भी चाहो तो 2 थप्पड़ लगा दो। अब कोई नई चाल चल रहे हो? मेरे साथ चलोगी तो सारा मैटर समझ में आ जाएगा। तुम्हें मैं नहीं जानती, तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम्हें नहीं जानती, चलो यहाँ से फुटो। बेबी डोंट फियर, आई एम हियर। अब ये नया नॉनसेंस कौन है? नॉनसेंस कौन रे? चीफ न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मैं। नर्स पकड़कर दबोच दिया तो सारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तू न्यूरोलॉजिस्ट है तो ये चक्कू है। अगर मैं चाहूँ तो तेरे ही अस्पताल वाले तेरी सुसाइड केस का सर्टिफिकेट दे देंगे। बोल, चखना है मजा तुझे? आएगा हमारे बीच में? कूल डाउन ब्रो। आप हमारी बेबी से मिलिए, मैं अंदर अपना काम करता हूँ। ए बेबी, नर्स। तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ तो फिर मेरे साथ 8 या 10 बजे दुबई जाने की तैयारी करो। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? तो फिर कल शाम को चले, परसों मॉर्निंग, 2 दिन बाद भी जा सकते हैं। इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है पारो। जब हम मिले थे तब क्यों नहीं बताया था कि ये मुमकिन होगा या नहीं? जब प्यार करते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना पड़ता है। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। हेलो मेरी डार्लिंग वाइफ, बोलो। आपको जो कहा था वो ला रहे हो ना? क्या ला रहा हूँ? मुझे होटल का मस्त खाना चाहिए। कल पता रू, तू जानती हाउ मच आई लव यू। तो एक काम कर, उस प्यार से अपना पेट भर ले, मैं नहीं आ रहा हूँ। प्यार से सबका पेट कैसे भरेगा? तू कुछ जुगाड़ कर ले ना। बच्चों को भूल गए क्या? उन्हें फ्राइड राइस खिला। रात को बहुत हेवी हो जाएगा। चिकन खिला दे। अरे आज मंगलवार है, पाप चढ़ाओगे क्या? एक काम कर, जो भी घर में है वो बना के खिला दे। रोज तो घर का खाना खाते हैं। हाँ तो
कभी तो अलग खिलाओ। इडली सांभर लाऊं? हर बार तुम यही क्यों लेकर आते हो? ए, दो मिनट में मैगी बन जाती है, बना ले। मैगी आजकल मिलता कहाँ है? अब तो क्या बच्चे की जान लगी। मैं जो कहूँगी वो तुम ले आओगे क्या? ये मेरी बीवी ऐसी है या दुनिया की सारी बीवी ऐसी होती है? ए, ए, सब... पारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अचानक तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? ए, इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया? ए, खड़ी गाड़ी नहीं दिखती क्या? अरे जो खड़े खड़े ठोक रहा है। ऑफिसर, हैदराबाद ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट रमेश रिपोर्टिंग सर। ए, इधर आ। ओके। आ गया। जोर की लगी है, गियर रिवर्स में लग रहा है। लगता है तू भी मेरी तरह गम के सागर में डूबा है। इसके बिना तू भी नहीं जी सकता ना। ऐसे घुट घुट के जीने में क्या मजा है, इससे अच्छा मर जाना बेहतर है। हम चाहे जो कर ले, हमारी किस्मत में दुखी लिखा है। मेरे को देख, क्या हो गई है मेरी लाइफ। बोला, हमें गम देने वालों की वजह से हम सब कुछ गवा देते हैं। क्या बात कर रहे हो ऑफिसर, मैं बिना पैसे के इसको लेके आया हूँ। फोकट की चीज बार बार नहीं मिलेगी भाई। आज तू लकी है रे, जो एक बार लव करता है उसकी पूरी लाइफ नशा बन जाती है। वो खुश होने का नाटक तो करता है लेकिन खुश कभी नहीं हो पाता। ये बोतल हाथ में रहेगी तो इमोशनल कर देगी, मैं इससे जल्दी खत्म कर देता हूँ। अबे मैं लवर की बात कर रहा हूँ और तू अपने क्वार्टर की बात कर रहा है, बेवड़ा साले। चेक करो मुझे मारा। आ, उठना बे। अगर मैं उठ गया तो मैं बहुत मारूंगा। इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी यार। ये तू आ गई, बहुत बढ़िया। बड़ी फ्रस्ट्रेशन में मिली है। नाम क्या है? हर कोई से नाम क्यों पूछता है? कतरीना कैफ। ये कतरीना कैफ नहीं ऑफिसर, ये काटले वाला नाइफ है। स्वीट एंड सॉल्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चल, क्या देगा? हाँ, तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। तूने अगर प्यार दिया तो वही काफी है। अरे वाह 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 वाह, आज रात को हम दोनों शादी करेंगे। पंडित को बुला। ऑफिसर, ये मिस्टेक मिक्सर है, इसके जाल में मत फंसना वरना चक्कर में घूमते रह जाओगे। उधर। बाप रे, बिल्कुल सन्नाटा और सुहानी रात, यहाँ क्यों लाया है राजा? अभी बताता हूँ, बताता हूँ। चल भाव निकाल। तू ठोकर मारेगी तो मेरे को दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। देख इसको, लगती है कि नहीं मल्लिका की तरह हसीना। तुम हो बड़े नॉटी और मैं हूँ हॉटी। ओफो, इस फिगर को देखकर किसी का दिमाग खराब नहीं होगा क्या? इसका नाम जानती हो? जाने मन नाम क्या है तेरा? कतरीना कैफ। हाँ, कतरीना कैफ, सिस्टर ऑफ मोहम्मद कैफ और इस वक्त मेरी वाइफ। अरे वाह, क्या हुआ जाने मन? कुछ हो रहा है। कंफर्टेबल हो ना? अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, हम शादी करने वाले हैं ना। लवर हो तो ऐसे फुल कोऑपरेशन, देख के सीखो कुछ। चली गई और घर की खिड़की के साथ दिल की खिड़की भी बंद कर दी। उस लड़की में ऐसा क्या रखा है, उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। माना तो खूबसूरत है और मैं भी जवान हूँ, लेकिन क्या हो गया तुम्हें, उसके सामने मेरे करीब आने से शर्मा रहे हो? अरे ये मिस्टर, ये मिक्सर ऑफिसर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो तुम, मुझ पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो इसके पैरों के बाल निकले भालू जैसे। ऑफिसर, आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। सिस्टर, आई नेवर डोंट टच यू, प्लीज कम, दिस इज योर मार्क, दिस प्लेस सेम। सिस्टर, ये जबरदस्ती गुस्सा दिखा रहा है, ये तुम्हारे प्यार की तड़प है, एम आई करेक्ट? प्रोसीड योर ऑनर। तुम लोग कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे से घुल मिल जाओ और इस डुअल सिम को मैं अपने साथ ले जाता। जानता है प्यारे, इस लड़की की वजह से मेरी इससे शादी टूट गई है, तो अब तू करेगा क्या? अरे तो चल मेरे साथ, मैं ऑलरेडी एक से परेशान हूँ, तू मेरे को कंधे पे बोझ डाल रही, तू बैठ यहाँ से निकल चल। बुलेट लगने के बाद मैं घायल हो गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा शायद मैं जिंदा ही नहीं बच पाऊंगा, लेकिन बच गया, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। तुम्हारे ना आने पर मैं क्या क्या सोच बैठी थी, जब सच्चाई पता चली तो मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचो मैं क्या करती। कुछ हुआ तो नहीं ना, अरे ऊपर वाला अपने साथ है और अगर होगा तो भी देखा जाएगा। इसी बात का मुझे हमेशा डर रहता है,
पहले मेरे मॉम डैड नहीं चाहते थे कि मैं दुबई जाऊं, लेकिन अब वो मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं। मेरी लाइफ तो फैसला करने का हक मुझे होना चाहिए, किसी और का फैसला मैं क्यों मानूं? एकदम करेक्ट, तो मुझे डिसाइड कर लो ना। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं है। वीजा ले लेते हैं और हम दोनों दुबई ही चलते हैं। चले जाएंगे। अभी जो तुमने कहा वो कल सुबह तक याद रहेगा ना? याद नहीं रहा तो याद रखने के लिए याद दिलाना पड़ेगा। इरादा क्या है? इरादा तो यही है जो पहले किया था अभी करना। हमेशा यही सोचते हो, मौका मिला नहीं कि फायदा उठाते हो। चलो हटो, जब देखो तो रोमांस से सोचता है। पारो, माय गुड डे। मॉर्निंग में नहीं, लाइफ को बनाने के लिए मैं गगो गो जा रहा हूँ। गगो गो जा रहा हूँ। पार्टी तेरा इंतजार कर रही है, जा। हेलो डिसिल्वा, सीआई डिसिल्वा। तेरा नाम सुनकर घबरा जाऊंगा, इतना डरपोक इंसान नहीं हूं मैं। वैसे भी मेरा एरिया बदल गया है। मुझे तेरी घबराहट की नहीं, तेरे साथ की जरूरत है। सीनू जो भी काम करता है उसकी कोई ना कोई कीमत होती है। प्राइस सुनकर तो खुद भी हिल जाएगा। श्रीशैलम 2000 करोड़ का इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा है, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूरी मतलब पूरी, कैसे करना है वो तू समझ। अपने धंधे में कितना भी बिजी हो जाऊं लेकिन तुझे नहीं भूल सकता कृष्णा। उस गैंग में कृष्णा नाम का एक लड़का है, उसे उठा लो, काम हो जाएगा। जरा प्यार से इंटरोगेट करना। जौहरी बाजार में बहुत बड़ी चोरी, बड़ा हाथ मारा क्या? मैंने प्लान कैंसिल कर दिया सर। यस सर, प्लान कैंसिल कर दिया। तेरी तुप, मेरे पैर का जूता मेरे ही पैर में रहना चाहिए। जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें हर हाल में करना होगा। 2000 करोड़ की एक डील का पता चला है सर। श्री सैलम कुछ फॉरनर्स के साथ मिलकर इलीगल ट्रांजेक्शन करा, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। इस मौके का हम फायदा उठा सकते हैं और इससे आपका भी काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सॉरी सर। तुम्हारा प्लान क्या है? उसकी गैंग में एक आदमी है जिसे हम मोहरा बना सकते हैं सर। उसका नाम है कृष्णा। हम उसे उठा लेंगे, श्री सैलम को कानो कान खबर भी नहीं होगी और हम उसे सारी इन्फॉर्मेशन उगलवा लेंगे। प्लान इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस सोच को डिलीट करने से पहले मुझे जरा सोचने दो। ए, इन दो उंगलियों में से एक कुछ हो, एक है गन शॉट और दूसरा है करंट शॉक। प्लान में कोई गड़बड़ हुई तो दोनों हो सकता है। इसी वक्त काम पे लग जाओ। जाओ। ए। यस सर। सॉरी सर। सैल्यूट। सॉरी सर। कहाँ गई होगी? हॉस्पिटल में ढूंढा तो कहीं नजर नहीं आई, फोन किया तो उठा भी नहीं रही है। हेलो डिसिल्वा, सीआई डिसिल्वा। सर, जब अपना कोई लापता होता है तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, ये नहीं पता तुम्हें? क्या? पुलिस स्टेशन आ जाओ। अभी आया सर। पारो। कृष्णा। क्या बात है पारो? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं पता नहीं, सिर्फ बैठा कर रखा है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ए, जाओ, साहब बुला रहे हैं। तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। सर। क्यों बे, दो घंटे तेरी माशू का क्या गायब हो गई? तुझे इतनी टेंशन हो गई? हमेशा के लिए गायब हो गई तो? ऐसा नहीं होगा सर। क्या? ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो जो मैं कहता हूँ वो कर। श्री सैलम रोज किस किस से मिलता है, वो किस किस से बात करता है और वो क्या प्लान बना रहा है, ये सारी खबर तू मुझे देगा तो सब सही रहेगा। कोई प्रॉब्लम है इन्फॉर्मर? वो लोग मुझे मार देंगे सर। तेरी माशुका की जान प्यारी नहीं है क्या? ठीक है सर। ये है ना समझदारी की बात, जो मैंने कहा वो तू करता रहेगा तो तुझे उसकी पूरी कीमत भी मिलेगी, वरना कहीं उसे हाथ ना धोना पड़े। जा। क्या कहा? कुछ नहीं, घबराओ मत। हट जाओ रास्ते से, शेर आ रहा है।
1, 2, 3, 4। मजाक नहीं समझते? जा बेटा ऐश कर, आउट। ए लॉलीपॉप इधर आ। क्या है सर, आप बिना बुलाए कैसे आ गए? तुझे हिम्मत की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आइए प्लीज बैठिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तेरी कीमत कौड़ी की नहीं है, तू मेरे लाखों क्यों उड़ा रहा है? अमेरिका में मेरे लग्जरी लाइफ जिया, टैक्सी ड्राइवर तो मीटर की जगह हजारों देता है। तू किस देश का अमीर ज्यादा है? सूट बूट कोट यहाँ तू ऐश करता है, वहाँ तू किराए पे रहता था, यहाँ रफ एंड टफ लाइफ जी रहा है, वो भी अपने भाई की कमाई पर। मैं अपने बाप का इकलौता संतान हूँ, हम लोग जुड़वा नहीं है। मैं तेरे बाप का बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग जुड़वा जरूर है। मेरे पैसे उड़ाता है, चल। देख इस बार मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा नहीं। नहीं, अपने इमोशनल दिल को साइड में रख, कड़क एक्सप्रेशन दिखा। कैसे? क्या कैसे कैसे? आंखों से करंट निकलना चाहिए, रफ्तार बुलेट की होनी चाहिए, हौसला आसमान को छूने का होना चाहिए। मुझसे ये सब होगा क्या? अरे अगर तुझसे नहीं होगा तो मैं किस काम का? ओके, मुझ में हिम्मत आ गई है, तुम्हारा रोल खत्म, तुम मेरे अंदर आ जाओ। ओके। ए, कौन है तू? अमेरिका का इकलौता फौलाद हूँ, इस देश के लिए भी मैं वही हूँ। वाह भाई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। इतने बदलाव के बाद भी नहीं समझा कि नौकर था, चाकर था, ड्राइवर था, लेकिन अब सब बदल गया है। मेरे पूरे वक्त में मेरा घर छीनने वाला तेरा वो भाई कहाँ है? अंदर है। एक एक दिन का किराया मैं उससे वसूल करूंगा। कौन है, कौन है, कौन है, कहाँ छुपा बैठा है वो? कमान 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 व्हीलचेयर। फुल्ली 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 चार्ज हूं मैं। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। तो ओनर साहब यहाँ कैसे आना हुआ? हा? तेरी बेटी से शादी करने आया हूँ, करवाएगा? ए, काट डालूंगा। ए, 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 तूने क्या मुझे मुर्गी समझ रखा है? तू भेड़िया है, मैं शेर हूँ, रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। अरे थोड़ी इज्जत करो यार, भीगी बिल्ली अब शेर बनकर लौटा है। चलो बिल्ली काली करो, गेट आउट। और नहीं किया तो? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा, आधा घंटा में यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। धोखे से मेरा घर हथिया लिया था। ज्यादा मत बोल, बीपी बढ़ जाएगा। ए, मेरा बीपी चढ़ा तो सबका बीपी उतर जाएगा, तू खुद को क्या समझता है रे? मेरा हाथ पड़ा ना तो तेरी बत्तीसी बाहर आ जाएगी। ए, 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 तुझे मारना मेरे लिए बाल उखाड़ने जैसा है। बहुत ए, ज्यादा बोल रहा है। तुम लोगों का नामो निशान मिटाने, अगर अपनी मुच्छी पे ताव दिया तो तुम लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। और तुम मेरे बाजू से क्या गुजरा? बुलेट जो निशानेबाजी का एक सैंपल था, दोबारा बोलेगा तो सीधा सीने में घुसेगा। मुझे जोर की लगी है। कंट्रोल कर, ढक्कन बंद, वो बाद में, पहले बॉस से मिल ले। सर प्लीज सर, घर खाली कर दो ना सर, हमेशा गन दिखाते हैं और मैं लालीपॉप चूसता हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। प्लीज सर, आपको मंदिर में बैठा के आरती उतारूंगा सर, घर खाली कर दो सर। सर 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 प्लीज सर, मैं आपके बच्चे जैसा हूँ, थोड़ी तो तरस खाओ सर। ए, छे, मैं ऐसा शौक नहीं पालता। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। अरे अरे, कौन हो भाई तुम? और तुम मुझे छोटे बच्चे की तरह पुचकार के क्यों बुला रहे हो? मिलकर सबकी बैंड बजाओगे? आपकी तारीफ। गुंडा हूँ सर, ये देखो चाकू। मेरे दोस्त के पास मुझे चाकू मिल गया है, अब आंधी आए तूफान आए मैं नहीं डरने वाला। तुम्हारे रुको भाई, रुको। जिंदगी में कभी कभार तो समझौता करना पड़ता है, आप खुद को सही से पहचान नहीं पाए। तुम मुझे पहचान गए, मैं क्या चीज हूँ? हिम्मत से काम मत लीजिए, अकल से काम लीजिए। मैं ना समझूं क्या? किसने कहा तुम्हें अपना बंगलो वापस चाहिए कि नहीं? तो अपने इस दोस्त पर भरोसा करो। ये मेरे घर पे कब्जा करके ऐश कर रहा है, चला गया तो? और तकलीफ, मेरी जिंदगी खराब। तुम फीस कितना लोगे? आपसे क्या पैसे लूं? 5,000 दे देना। इतना कम? सिर्फ 5,000? 5,200 रुपए ले लेना सर। आई एम टू स्मार्ट, एडवांस में ये लो लॉलीपॉप। आपने चखा तो नहीं ना? नहीं, सिर्फ चाट कर देखा है। मुझे दुश्मन तो नहीं समझते ना? नहीं, तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो। तू तैयार है ना? मैं बात करता हूँ। ठीक है सर, आपको देखते ही मुझे डर लगने लगता है। नेक्स्ट वीक मेरी रिटर्न फ्लाइट है, मेरे जाने तक मैं यहाँ रह सकता हूँ क्या? हूँ, क्या कर रहे हूँ? एक हाउस ओनर को इतनी फैसिलिटी दे सकते? रहो, जल्दी ऊपर आओ, आप वहीं सेफ रहोगे। ए, दूसरों को पैर में गिड़गिड़ाने वाला कैसा मर्द है तू? सुन, आम खाने के लिए कभी कभी बगीचे के मालिक को मस्का लगाना पड़ता है। समझदार वही है जो अकल से काम लेता है। तू समझदार है? सुन, एक बार तू मेरा कहना मान ले। वो दिन रात गन को अपने हाथ में लेकर घूमता है, उसकी सटक गई तो मैं गया, तू अकेले रह जाएगा। सोच, मैं आत्मा बनकर भटकूंगा, तुझे अच्छा लगेगा। इसलिए हम लोग थोड़े दिन यहाँ पे रुकते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं। ओके, देख तुझे जो करना है कर, मुझे मेरा घर मिलेगा, मुझ में समा जाएगा तो हो जाएगा। सुनो श्री सैलम सर, मिल गई हमें डेट, मिल गई इस महीने की 25 तारीख को 2,000 करोड़ का सौदा। ऐसे करूंगा कि फरिश्तों को भी पता नहीं चले। 3 महीने बाद मैं बनूंगा CM और तू म्यूनिसपैलिटी में, छी मेरी मिनिस्ट्री में, तू म्यूनिसपल कॉरपोरेशन का हेड बनेगा। थैंक्स सर। थैंक्स की जरूरत नहीं, लगता है तेरी समझ में बात अभी तक नहीं आई। हमारी पूरी डील एक ही इंसान पर निर्भर है जो पैसा पलट सकता है, तेरा वो कृष्णा। हम उसके साथ भी वही करेंगे, यूज एंड थ्रो। काम खत्म होते ही
शमशान पहुंचा देंगे, समझा कि नहीं? समझ गया सर। पारो, माय गुड डे, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी। दुबई वीजा फॉर 10 इयर्स। मेरा जॉब वीजा है और तुम्हारा विजिट वीजा। शादी के बाद तुम्हें भी परमानेंट वीजा मिल जाएगा। 25th मॉर्निंग 7 o'clock की फ्लाइट है। एक मिनट, एक फोन आया। 1 मिनट सर। तो है कहाँ? अमीरपेट सर, हाईटेक सिटी में। और बोल रहा अमीरपेट में, बेवकूफ, तुझे देख सकता हूँ। अब तो सुन, आधे घंटे के अंदर मुझे श्री सालम का फोन चाहिए। सर इट इज इम्पॉसिबल सर, वो फोन हमेशा अपने साथ में ही रखते हैं सर, हाथ भी लगा दिया तो मारा जाऊंगा। जरा लेफ्ट साइड में देख। तूने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो तेरी माशुका का वही काम तमाम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ एक बटन दबा दिया तो वहाँ ट्रिगर दब जाएगा। जो कहा वो कर, कोई चॉइस नहीं है। आधा घंटे में मुझे फोन चाहिए। लाता हूँ सर। क्या दोस्त, तुम इतनी गहरी सोच में हो? तुम्हारा क्या होगा इसी बारे में सोच रहा था। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुम इतना टेंशन ले रहे हो? तुम्हारी सिंसियरिटी देख के मैं खुश हो गया दोस्त। बोलो क्या चाहते हो? श्री सैलम को इस घर के बाहर धकेलने के लिए उसके राज जानने होंगे। ऐसा करने के लिए हमें उसका फोन चेक करना होगा। मैं जब तक उसका फोन चेक करता हूँ तू उसको मैनेज कर ले। मुझे तुम शेर की गुफा में भेज रहे हो, इसी प्लान को हम रिवर्स करेंगे। तुम जाकर फोन बाहर ले आओ, मैं मैनेज करता हूँ। सर आप कितना महान सोचते हैं। अच्छा जस्ट अ मिनट, लॉलीपॉप। जानू जानू, यस पापा, व्हाट टू डू, बताओ पापा। इधर आ, इधर आ चीते, इधर आ। तुम आ गए? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। अरे कितना टाइम लगाया, मैं कब से बुला रहा हूँ। अच्छा बात ये है कि अरे बार बार छोड़, तू मुझे ऑर्डर करने दे रहा है। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तब आऊंगा, समझा मेरी बात। वो हीरो तेरी मदद करना चाह रहा है और तू उससे शक कर रहा है। अगली बार वो जो कुछ भी बोलेगा चुपचाप कर देना, समझा, नहीं तो मैं तेरी खाल उखाड़ दूंगा। अरे रे रे, इतना मत मारो यार, मेरे पैंट का बटन भी टूट चुका है। एक चांस तो देकर देख, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे तुझ पे भरोसा ही तो किया था, तभी तो आज पछता रहा हूँ। कब? याद नहीं है तुझे? ये घर किसकी वजह से गया? मैं तेरी बात अच्छे से समझ गया, अब तू अंदर आ जा। पक्का? आया। हाँ किससे बात कर रहे थे सर? अपने दोस्त से बात कर रहा था। तुमने जो बोला ना एकदम करेक्ट है, किसी तरह मैं उसे मैनेज कर लूंगा। आप भी महान है, अमेरिका की तरह यहाँ पे भी मैनेज कर लोगे। अब चलो भी। अरे अमेरिका का मेरे मैनेजमेंट से क्या संबंध है? चलो अगर तुमने ऐसा कहा तो जरूर होगा, चलो देखते हैं। Hey, मेरा फोन कहाँ? चल बाजीगर पे कदे। hey, तू सारे संसार को घुमाने की ताकत रखता है और एक छोटे से फोन को भी संभाल के नहीं रख सकता क्या? जबान को लगाम दे। अरे काहे का लगाम, घोड़ा समझा है? जो तेरे कहने पे लगाम लगा लूं, आज तो मैं सब कुछ फाइनल करके ही जाऊंगा। किसमें हिम्मत है जो मेरा सामना कर सके? कम ऑन। hey, भाई के साथ कॉमेडी कर रहा है क्या? अरे बोल करेगा, पैर से मारेगा और तू टैक्सी ड्राइवर? नहीं छोड़ूंगा, आज मैं सबको मारूंगा। सर 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 जल्दी कीजिए प्लीज। श्री सालम ने किसी खास काम के लिए किसी और को तो कहीं नहीं भेजा ना? नहीं सर। तूने वैसे किया कैसे? ए अंकल तोड़ दू क्या? नहीं नहीं, बहुत कॉस्टली है। ले ले फिर संभाल ले। अब मैं हूं बॉस। ये मेरे निशाने से मक्खी भी नहीं बच सकती। हाँ ए श्री सैलम, चूहे की तरह में क्या छुपा है? जान बचानी है तो घर छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो कसम खा के कहता हूँ तू मरेगा। सर से लेकर पैर तक छेद कर दूंगा, सैंपल देखेगा क्या? गोली कहाँ गई यार? ए मारो इसे। अरे नहीं सर, जरा जल्दी कीजिए ना प्लीज। मैं जो बोलता हूँ वो चुपचाप करता जा, मुझे ऑर्डर मत दे। डन। छोड़ना मत भाई, घर इसका है, अगर इसने कंप्लेंट दे दी तो बेकार पंगा हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो समझ गया होगा भाई। बस बहुत हो गया, जाने दो इसे। ए चल जा। याद रखना तुम लोग, ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, इतना भारा है कि मुझे तारे दिख रहे हैं। कृष्णा जरा फोन देना। हाँ?
अरे मेरा फोन तो इधर ही था, मुझे दिखाई नहीं। मुझसे मैनेज करने के लिए कहा था, मैं तो कुछ और ही कर बैठा, अब क्या होगा कौन जाने। ईश्वर मेरी हालत देख के तो खुश है ना। वाह 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 वाह, क्या परफॉर्मेंस है आपका, ऑसम, काम बन गया। सुन, एक एक का गिरबान पकड़ के इस घर से बाहर फेंकना है। लेकर आओ, ये काम मैं खुद करके दिखा दूंगा। वाह वाह वाह, मेरा परफॉर्मेंस देखा ना, एकदम पीक पे था। उन लोगों ने इतना मारा फिर भी आप डटे रहे, वाह वाह क्या बात है। ये पैक पिलो, दर्द उतर जाएगा। और उन्हें मारा गम नहीं, वो श्री सेलम के थप्पड़ का जवाब देना है बस। उसने मेरे ईगो का हट किया है, उस टेनेंट को बताना पड़ेगा कि घर का मालिक कौन है। डर लग रहा है सर। ए तुम क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना कूल। कम ऑन, टेक दिस 30 ml, जोश में आ जाओ। क्या कर रहे हैं सर, पहले पी तो लो। फ्रेंड्स, नो, क्लोज फ्रेंड्स। मुझे पूरा यकीन है मेरा घर मुझे मिल जाएगा। ये 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 लगता है मेरी किस्मत की घंटी बज गई। हेलो, आप अमेरिका की पार्टी हो ना? जी हाँ। आपका टोकन नंबर मिला है। टोकन नंबर? मुझे पास नहीं बुलाएंगे। हाँ, ओके ओके, एड्रेस पता है क्या? जी हाँ पता है। कैसे आओगी, तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैं फ्रॉक पहन कर आऊंगी। फ्रॉक पहन के? हाँ, मेरा बचपन का फ्रॉक अब फिट हो रहा है, तो मैं आ जाऊँ। तुम्हें साड़ी में देखा था इसलिए तुम पे लट्टू हो गया था, अब क्या फ्रॉक फ्रॉक कर रही हो? माफ कर दीजिए जी, मुझे लगा अमेरिका वालों को फ्रॉक पसंद है। अरे बाप रे, बातें तो खतरनाक करती हो, कब आ रही हो तुम? रुकिए, बस अभी आई। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे यार, अब तो जल्दी आ जाओ, कहाँ रह गई तू? बाप रे, अब आ भी जाओ। ये क्या पागलपन कर रहा है? अरे तेरी तो मैं अभी बताता हूँ तुझे, सारा नशा उतारता हूँ तेरा। ये कर रहा है तू? अरे बाप रे, काम के लिए तुझे भेजा है? जो काम देता हूँ वो तुझसे होता नहीं, और फालतू के कामों में तेरा बहुत मन लगता है ना। इस पूरे घर को तुझे दुश्मनों के हाथ से छुड़ाना है, और ये तू धोती पकड़ के नाच रहा है, वहाँ कौन जाएगा? माफ कर दे, जानता हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से माफ कर दे भाई। इतनी समझ में नहीं आती ना, और दिखाता हूँ तुझे, चल भाग जा और अपना काम ठीक से कर। सर, श्री सलम के फोन का डेटा। ए तुम जाओ। हाँ आप बोलो। श्री सलम के फोन का डेटा मुझे मिल गया है सर, 25 तारीख को एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह है। बहुत तीखा है ये मिर्ची, बहुत तीखी है। अगली बार अगर तुमने औरतों की तरह बहाना किया तो ये सारी एक साथ खिला दूंगा तुम्हें। सर जाओ। ए सर, सैल्यूट। सॉरी सर। हेलो सर। हाँ बोलो। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि श्री सलम का सीक्रेट ट्रांजैक्शन कहीं होने वाला है, लेकिन कहाँ होने वाला है और कैसे होने वाला है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूँ सर। ये लो पकड़ो और मुझे दुबई रवाना कर दो। पासपोर्ट प्लीज। तुम्हें पता नहीं मैं श्री सलम का आदमी हूँ। ओके सर। हेलो, इस वक्त तो कहाँ है? होटल में हूँ सर। ट्रैक द मोबाइल सिग्नल। वो इस वक्त अपने कमरे में, और मैं फिलहाल अभी लॉबी में हूँ सर। वो गाड़ी लेके कहीं निकल चुका है, तू वहाँ लॉबी में खड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है बेवकूफ। गाड़ी में जा रहा है सर। इसी वक्त उसका पीछा कर, जल्दी कर। जी सर। सामने एक पुलिस जीप दिख रही है। हाँ दिख रही है सर। रुक जा, फोन को स्पीकर में डाल। हाँ अभी डालता हूँ सर। यही बोल रहा हूँ, इसे जीप दे दे। निकल निकल, मुझे जाना है। फॉलो कर, श्री सलम की गाड़ी को फॉलो कर। दिखाई दिया तुझे? नहीं सर, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राइट में जा, राइट में जा। ओके सर। गाड़ी दिखाई दे तुझे? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रही है। अपनी स्पीड और बढ़ा। जल्दी कर, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा। दिखाई दिया कि नहीं तुझे? Can you see the car? नहीं सर, अभी भी नहीं दिखाई दी। वो मुझे दिखाई दे रहा, तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उस बस को ओवरटेक कर। ठीक है सर। अब दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया सर। उसे फॉलो कर, पुलिस का सारा ऑफ कर दे। ध्यान से फॉलो कर, फॉलो। ओके ओके।
चलाता रहे चलाता रहे। डिस्टेंस मेंटेन कर। ठीक है सर। ये जहां से गुजर रहे वहां सीसीटीवी कैमरा है? उस एरिया में कहीं भी नहीं है सर। यशो, हाँ। उसे हर हाल में ट्रेस करना है। कोशिश करो, मोबाइल सिग्नल ट्रैक करो। यस सर। वो आसानी से मिल जाएगा। ओके सर। सर गाड़ी को कुछ हो गया है सर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू उसको फॉलो कर। सर अगर आप धमकियां देंगे ना तो हार्ट अटैक आके मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए सर। व्हाट्सएप ओपन कर। सर अब आया हार्ट अटैक। पारुक को कुछ मत करना सर प्लीज। अब बता तू जो कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है या खुद के लिए? मेरे खुद के लिए सर, आप जो कहोगे वो करूंगा। श्री सलम कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसका फोटो भेज मुझे। वो क्या बात कर रहा है वो रिकॉर्ड कर। मेरा काम अगर पूरा नहीं किया तो तुझे तेरी मैं नहीं मिली। याद रखना। जी सर। जा, जल्दी जा। ओके सर। ए, भाई, 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 भाई। उसे किसी कीमत में मिस मत करना। नहीं करूंगा सर। गो गो फास्ट फास्ट स्पीड अप। ओके सर। मैक्सिमम स्पीड में चला। चला रहा हूँ सर। Hi guys. Hi Srisalam. क्या हो रहा है? श्री सैलम से कोई मिलने आया है। फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो, फोटो खींचो। हाँ। Give me key card. Yeah, you go. Yeah, these are the codes. Okay. Note them down. Hmm. This is the VC code. Hmm. And it's a CC. अच्छा। Yeah. And the last one is the LC code. Okay. These codes are very crucial. Okay. जिस दिन डील होगी टोनी तुमसे मिलने आएगा। ओके। हमारी कमिटमेंट मिस ना हो। बिल्कुल। बाय बाय। I am in Shri Salem's car. पांच मिनट में डिटेल्स नहीं भेजी तो गर्लफ्रेंड को ऊपर पहुंचा। चक्री कोड्स नोट करो। बोलिए सर। 616 COMB, या 43216 ऑफसाइड एरो मार्क। ये कोड किसका है पता है? हाँ पता है। एक और कोड बोलिए सर। MR 2578023। ओके। एक और कोड ले लो। हाँ। 1424 या 8961।
बाल बाल बच गई। कृष्णा पारू, बता क्या मिला है। श्री सलम ये सीक्रेट कोड किसी को बता रहा था। तुझ पर यकीन करके इसे छोड़ दूं? छोड़ना होगा, मैं सच कह रहा हूँ, ये ओरिजिनल कोड है। यकीन नहीं है तो चेक कर लो। चिल्ला क्यों रहा है, इसे इतना तोड़ो कि बोलना भूल जाए। छोड़ दो इसे। हाँ वेंकटेश्वर राव। हाँ सर। मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, नोट करो। बोलिए सर। 216CO MB 8143216 ऑफ साइड एरोमार्क। ओके सर। सर ये नेवी का कोड है सर, मैं चंद्रशेखर को कॉल ट्रांसफर करता हूँ, आप लाइन पे रहिए सर। ए, रुक जाओ। चंद्रशेखर। दो मिनट सर, अभी चेक करता हूँ। ओके सर, ये कोलंबिया का बना हुआ शिप है, दो हफ्ते पहले ये इंडोनेशिया के लिए निकल चुका है और इस वक्त आधे रास्ते में। और एक कोड चेक करो। यस सर। MR 2578023। सर ये कंटेनर का नंबर है सर। और एक कोड है सर। 14248961 कंटेनर के अंदर एक लॉकर है सर, उसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। मतलब कोलंबिया से शिप आ रहा है, उस शिप में कंटेनर है, उस कंटेनर में लॉकर है, लॉकर में राज है। सुपर। चंद्रशेखर सर, शिप कोलंबिया से इंडोनेशिया होकर आ रहा है तो कंटेनर इंडिया के लिए भेजा गया है। सर शिप गोवा की तरफ बढ़ रहा है और हिंदुस्तान की सीमा में आने से पहले कंटेनर को इंडियन शिप में शिफ्ट किया जा रहा है जो कि गोवा में ही आ रहा है। इसका मतलब ये डील गोवा में होने वाली है। चंद्रशेखर मुझे उस कंटेनर की डिटेल चाहिए, उसे किसने भेजा है और उसे कौन रिसीव करने वाला है, सब कुछ। सर एक खास इन्फॉर्मेशन क्लिक हो रहा है, एक मिनट का समय दीजिए, मैं भी देखता हूँ। ये बात किसी को नहीं पता कि उस कंटेनर में क्या है और ये कंटेनर किसने भेजा है, पर इतना पता है कि आने वाली 25 तारीख को ये डील होने वाली है। अब गोवा जाकर तू ये सारी जानकारी हमारे लिए इकट्ठा करके लाएगा। सुन, कृष्णा को गोवा भेज दिया? बस भेज रहा हूँ सर। ठीक है, हो सकता है पुलिस तक भी खबर पहुँच जाए, इसलिए तू हर तरह से चौकन्ना रहना। ठीक है सर। गोवा हार्बर में मैंने सब कुछ मैनेज कर दिया है। जी सर। चक्री और मेरे बाकी के लोग वहीं पर होंगे। ओके सर। लॉकर खोलते वक्त जरा सावधानी बरतना। ओके। और मुझसे कब मिलेगा? आप कहाँ हैं सर? अरे ऑलरेडी गोवा आ चुका हूँ बेवकूफ। सुन कृष्णा, एक काम कर, तू अभी गोवा के लिए निकल जा, तेरे थंब इम्प्रेशन से ही वो लॉकर खुलेगा, मेरा मतलब हमारे बैंक का काम हो पाएगा। अरे हाँ, तू दुबई जाना चाहता है ना? काम होने के बाद चक्री तुझे फ्लाइट का टिकट दे देगा और फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाके ऐश करना, लेकिन हाँ जाने से पहले ये आखिरी काम कर दे। याद है ना, तुझे बचाने के लिए मैंने गोवा के धंधे को कुर्बान कर दिया, मुझे वो धंधा वापस चाहिए। सीनू को मार दे, ये रख काम आएगी। लेकिन भाई। रख ले। इस बीच में सीनू ने जो नाटक किया है मैं उसे नहीं भुला सकता, एहसान चुकाने का समय आ गया है। हौसला बुलंद, शिकार निशाने पर, डरना मत, सीनू खत्म। मेरे गोवा को तू वापस दिलाएगा, चल जा बेटा। रूट बदला या प्लान बदला तो कोई रहम नहीं, वही करना जो हमेशा करते हैं। खत्म, दुकान बंद, गन्स निकाल रहे विके, बुलेट से वेलकम करना है। यस सर,
मैं गोवा के लिए निकल चुका हूँ। पहुँचते ही मुझे फोन करो। ओके सर। अगर किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करो। ओके। भाई ने हमें बैंक जाने के लिए बोला था ना, तो हम हार्बर क्यों आ गए? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। वो रहा हमारा बैंक। इंप्रेशन आ गया सेनर। ए अच्छू, इसके अंदर के लॉकर को खोलने के लिए भी हमें कृष्णा की जरूरत पड़ेगी। तुम दोनों मिल चुके हो। मैं तेरे साथ था ही कब श्री साला। जिंदगी से खेलने वाले मौत का मजा तू भी जान। मतलब तुम दोनों एक साथ हैं। मैंने ही प्लान बनाया। ये सीनो मेरा ही जोड़ीदार है। मेरे दिन पूरे हो गए। तू मुझे मार देगा तो कृष्णा आराम से फरार हो जाएगा। तुझे आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, पहले जाकर उसे पकड़। मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। ए सुन सुनो, हवाई तूने उन लोग को बुलाया क्या? श्रीलंका से मंगाए भैया। अच्छी बात है, आने दे आने दे। उस कंटेनर को कवर कर। अंदर जाओ, अंदर जाओ। पीछे, जल्दी पीछे। आने दे, आने दे। जल्दी आओ। अबे अंदर ला। जल्दी आ, जल्दी। बुलेट से ही खेलकर पड़ा हुआ हो। कृष्णा ने हमें डबल क्रॉस किया है, लगता है माल भी हाथ से निकल जाएगा। व्हाट सर,
कृष्णा ने हमें डबल क्रॉस किया है और माल हाथ से निकल जाएगा। कृष्णा, ये सब क्या हो रहा है? पारो, माय गुड डे, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है हमारे फ्यूचर की खुशी के लिए चल रहा है। ये कोई समय रोमांस करने का? यहाँ दर्द से जान जा रही है, जल्दी करो। पैसा कहाँ है? कम, गिव मनी, जल्दी। दुबई हवाला नोट, इसे मोहम्मद शेर तक सेफली पहुंचाओ, तभी तुम्हें 2000 करोड़ मिलेंगे। ये मेहनत बढ़ा रहा है यार। सिर्फ रोमांस करने से करोड़ रुपए नहीं मिलते। रख रख, जल्दी रख। चल चल चल, जाने दे जाने दे। पकड़ो उसे, पैसे लेके भाग रहा है। चलो चलो चलो। आओ हमारे पीछे आओ। माल लेके जा रहे है तेरी, तो मार दे इसको। गो फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा बैठ। आजा आजा आजा, लेकिन मुझसे मेरा माल नहीं छीन पाएगा। आजा 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 आजा। तूने अपना ये प्लान कब बनाया? तूने जब मुझे फंसाने की सोची तभी मैंने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। वर्ल्ड बैंक लोन देगा मुझे, मैं गारंटर हूँ। अरे मैं कहीं का प्राइम मिनिस्टर हूँ क्या जो वर्ल्ड बैंक मुझे लोन देगी? मेरा बैकग्राउंड ही क्या है बे? झूठ बोलना नहीं आया तुझे? क्यों बे, वर्ल्ड बैंक तुझे लोन देगी? वो तेरी रिश्तेदार है क्या? तुझे पता भी नहीं चला और मैंने सब कुछ कैमरे में शूट कर लिया। मेरे नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा कर तूने 2 जगह 1000-1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए। मुझे तभी उस बात का भी पता चला कि गोवा में तुम्हारा इलीगल बिजनेस है। मैं भाग जाता तो तू मुझे कहीं से भी ढूंढ कर मार देता। मैं हिम्मत से डटा रहा, तुझे उखाड़ने के लिए प्लान बनाया और इसमें मेरा साथ दिया सीनू ने। तेरे लिए जो नॉनसेंस था वो मेरे लिए काम का बंदा बन गया। फर्स्ट स्टेप। तुझे कोई तकलीफ है? वो हमारे जरिए करोड़ों कमाते हैं और हमें चिंदी से सैलरी देते हैं। क्या चाहिए? 50 लाख दिलवाओगे? उससे भी दुगना दूंगा, बोल मेरे लिए काम करेगा? तो मजाक तो नहीं कर रहे हो भाई? हमारे गैंग से अपने आप को अलग कर लो, श्री सैलम के गोवा के बिजनेस को टेक ओवर करो। मुझे अच्छे से पता था तू हर कीमत पर मुझे जिंदा रखता, और तू तो 3 करोड़ रुपए के लिए कन्विंस हो गया। फाइनल 3 करोड़। 3 करोड़ सुन के सीनू थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, इसलिए मैंने सिचुएशन संभाला और 4 बोतल उसके सर में फोड़ दी। उसके बाद दूसरी चाल,
दुबई जाना है दुबई जाना है ऐसा कहकर पारो ने दिमाग खराब कर दिया। वीजा आते ही मैं दुबई चली जाऊंगी। हमारी शादी के बाद तुम्हें परमानेंट वीजा मिल जाएगा। दुबई गया तो पैसा जाएगा, नहीं गया तो लव जाएगा, और मुझे दोनों चाहिए थे, इसलिए सीनू को छोड़कर मैंने अपना दूसरा स्टेप लिया। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, गोवा चाहिए, और अगर वो नहीं माना ना तो उसे मैं ही मार डालूंगा। क्या करना होगा भाई? किडनैप कर। किसका? मेरा बे, मैंने खुद ही अपना किडनैप करवाया। पिटवाया। मार मुझे। जरा संभाल के, लोडेड है, मैंने खुद गोली खाई। गोवा तेरा, गोवा ले जा, गोवा ले जा। जैसी उम्मीद की थी वैसे गोवा मिल गया। तूने जब गोवा भेजा तब सारा प्लान वर्कआउट हो गया। गोवा में तू क्या करता था उसकी मुझे पूरी जानकारी चाहिए थी। वहाँ श्री सैलम का खास कौन है इसका पता लगा, और जैसे ही तुझे पता चल जाए तो दो चार को लुड़का देना। सीनू को मैंने फोटो भिजवा कर इंक्वायरी करवाई। तू अपने ड्रग्स के बिजनेस का सारा ड्रग्स कोलंबिया से मंगाता है इस बात का मुझे पता चला। बराबर का हिस्सा देने का वादा करके पार्टी का इंतजाम भी करवाया। सीनू ने रिस्क उठाकर श्रीलंका से एक बड़ी पार्टी बुलवाई, और सारा प्लान वर्कआउट हुआ इस डिसिल्वा की वजह से। मुझे टेंशन हुआ उसका कोई गम नहीं, क्योंकि तूने मेरी हेल्प भी बहुत की। तुझे लगा कि तू पारो की धमकी देके मेरा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तुझे पता भी नहीं चला कि मैं तेरा इस्तेमाल कर रहा हूं। एक और कोड नोट करो, 2578MR023। कोलंबिया से शिप आ रहा है, उस शिप में एक कंटेनर है, कंटेनर में लॉकर है, लॉकर में एक राज है। सुपर। मैंने तुझे मामूली इन्फॉर्मर समझा, तू तो शकुनी का भी बाप निकला। क्या करे, बहुत दूर तक जो जाना था। बहुत चालबाज है तू, बहुत शातिर आदमी है। दुष्टों के रास्ते पर चलकर उन्हें खत्म किया तो पुण्य, बेवजह किसी को मारा तो पाप, और टिट फॉर टैट करो तो इंसाफ। मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया, मैं बस अपना काम कर रहा था। इसके लिए मैं गांव से आया था। पता था ना तुम्हें मैं करोड़पति बनने के लिए यहाँ आया था, तो दे देना चाहिए था। मैं इतना बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचता। अब जब तुम लोगों को मेरा प्लान पता चल ही गया है तो तुम लोग ही बताओ, इस खेल के खिलाड़ी तुम लोग हो या मैं? इसमें तुझे क्या मिला? 200 करोड़ रुपए। तो 1000 करोड़ का माल था वो। किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। 200 करोड़ चाहिए था तो मुझसे मांग लेता, मैं दे देता तुझे। माल अब भी मेरे पास है। वो लोग खाली ट्रक यहाँ से लेके गए हैं, हम बेवकूफ नहीं है। वो यहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक के सिर्फ डब्बे उठाकर लेके गए। वो माल क्या है? ड्रग्स है भाई, जिंदगी बर्बाद करने वाला जहर। तूने उस माल का किया क्या? कंटेनर में है। यही है भाई। उतार, 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 उतार। सब सेट हो गया भाई। पारो माय गुड डे। ए सीनो, ये नोट दुबई में दिखा दे, 150 करोड़ रुपया मिल जाएगा। बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट मिला यार। हाँ भाई, बहुत मेहनत किया। तुम इसे मेहनत कहते हो? मेहनत करने की डेफिनेशन बदल गई है डार्लिंग। मेहनत करके मालिक के सामने हाथ फैलाना मैंने नहीं सीखा है, छीनना सीखा है। भाई, गोवा ही अच्छा है, दुबई में जाके करेंगे क्या? मेहनत करेंगे। मैं भी साथ हूँ। तो फिर चल।